हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अनअकैडमी एसएससी जेईई पर। और बढ़िया से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का रिवीजन कर रहे थे, क्विक रिवीजन चल रहा था, हम लोग आज उसको कंटिन्यू करेंगे और भी सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जो भी हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे थे। तो हम लोग ने पिछली क्लास में काफी कुछ कवर कर लिया था, मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन और ज्योमेट्री ठीक है। तो शुरू करने से पहले जल्दी से आप लोग बता दीजिए ऑडियो वीडियो आप लोग अच्छे से आ रहा है कि नहीं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सारे बच्चे जरा फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बढ़िया से क्लास को कवर शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, नो प्रॉब्लम सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फटाफट हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना अच्छे से एकदम? कमेंट करिए। गुड इवनिंग। तो दोस्तों आप सब मुझे जानते हैं, मेरा नाम है चेतन सक्सेना और यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं मेरे बारे में। जी हाँ, और इन सब सब्जेक्ट्स में कंफर्टेबल हूँ दोस्तों, और मेरा कोड आप लोग जानते ही हैं, मेरा कोड आप लोग लगा के अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जब भी आपका मन हो, और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। ओके, और कोड मेरा क्या है बेटा? CS10 है मेरा कोड। ठीक है, चलिए सर, और सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस किया था, काफी सारी चीजें पढ़ ली थी हम लोगों ने, इंट्रोडक्शन देखा था, याद आ रहा आप लोग को? इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, ज्योमेट्री डिजाइन हमने पढ़ा था, ट्रैफिक मैंने आपको बताया था कि है ना, गुड इवनिंग, ज्योमेट्री डिजाइन, ट्रैफिक और हाईवे, ये तीन हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री डिजाइन हम लोग इसे पढ़ना शुरू कर चुके थे। ठीक है, हमने डेवलपमेंट ऑफ हाईवे पढ़ा था, रोमन रोड्स के बारे में चर्चा की थी जिसमें उन्होंने कोई ग्रेडियंट वगैरह नहीं दिया था, है ना, चर्चा की थी, काफी सारी बातें हो चुकी है, आई होप आप लोग को याद होगा। ठीक है, तो इसमें क्या था सर, इसकी हाइट थी 0.75 से 1.2 मीटर के आसपास बात हुई थी इसमें, है ना, पत्थर रखते थे काफी बड़े बड़े, फिर ट्रेसा के कंस्ट्रक्शन आया था, इसमें रोड की चौड़ाई इतनी थी सर, है ना, और इसकी थिकनेस कितनी 30 सेंटीमीटर थी, वेरी गुड। टेलफोर्ड में कितना था सर हमारा, टेलफोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो सर उसमें चार लेयर दी गई थी और जो सबसे ऊपर की लेयर थी उसमें 4 सेंटीमीटर तक बात हो गई थी, मैकेडम की बात हुई थी, फिर मैकेडम यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे भी हमने 3 लेयर दी थी और यहाँ पे क्रॉस स्लोप दी गई थी कितनी 1:36 की। ठीक है, एक सवाल आया है, ट्रांसपोर्टेशन लेक्चर सफिशिएंट फ्रॉम अ सेमेस्टर? बिल्कुल बेटा सफिशिएंट होगा, काफी चीजें मैं इसमें कवर कर दूंगा, आपके ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट में चर्चा कर लूंगा, हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट ईयर्स आप देख सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं हाईवे के जो हम लोगों ने चर्चा किए थे। ठीक है, फिर मैंने आप लोग को कंपेयर कराया था तीनों रोड लाइन के बारे में, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, लखनऊ रोड लाइन का प्लान हम लोग ने डेट्स पढ़ी थी, लखनऊ रोड प्लान के फॉर्मले पढ़े थे, रोड पैटर्न्स पढ़े थे, अलग अलग तरह के रोड पैटर्न्स पढ़े थे हम लोग ने, ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ा था, फैक्टर्स क्या क्या थे, फिर फैक्टर्स हम लोग ने काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी, हमने PIV थ्योरी के बारे में पढ़ा था, व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, विड्थ कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, हाइट कितनी होती है, ये सब हमने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, और नॉन अर्बन रोड्स, अर्बन रोड्स, इन सब के ऊपर चर्चा हुई थी, टोपोग्राफी लोग। हाँ भाई, तो कमेंट करो जरा सारे बच्चे, कमेंट करो फटाफट कमेंट करो। प्लेन टेरेन है तो क्रॉस स्लोप कितना होता है, 0 से 10 है ना बात हुई थी, रोलिंग है तो कितना 10 से 25, माउंटेनियस है तो कितना 25 से 60 और स्टीप है तो 60 से ज्यादा, और ऐसी डिजाइन स्पीड मैंने बताई थी आपको, अलग अलग टेरेन और अलग अलग इंपॉर्टेंट हाई आपके जो भी अलग अलग रोड के टाइप है। ठीक है, फिर देखो मैंने बताया था आप लोगों को इस चैप्टर में सर हम लोग को 5 चीजें पढ़नी है मोटी मोटी, हम लोग को इस चैप्टर में क्रॉस सेक्शन एलिमेंट पढ़ने थे, साइड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल अनंड, वर्टिकल अनंड और इंटरसेक्शन पढ़ने थे, तो आज हम लोग जो है कोशिश करेंगे साइड डिस्टेंस खत्म करें और हॉरिजॉन्टल अनंड को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्रॉस सेक्शन एलिमेंट पढ़ रहे थे, उसमें हमने सब पढ़ा था क्या कि सर फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, फ्रिक्शन के टाइप्स हमने देख लिए थे, मतलब स्किडिंग क्या होती है, स्लिपिंग क्या होती है हमने बात कर ली थी, लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है ये हमने पढ़ लिया था, लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है वो हमने पढ़ लिया था, आज इसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर। उसके बाद बंप इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो बताता है कि सर हमारी रोड क्या अनइवन है कि एकदम स्मूथ है, है ना, बंप इंडिकेटर के बारे में चर्चा की थी, ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए क्योंकि हम लोग चाहते हैं सारा पानी उधर के नीचे चला जाए। ठीक है, सारा पानी उधर के रोड के नीचे चला जाए और रोड के अंदर ना जाए, मैं चाहता हूँ मेरी रोड कुछ इस प्रकार से रहे कि पानी नीचे इधर चला जाए केम्बर के थ्रू और अंदर ना जाए, अंदर नहीं जाना चाहिए नहीं तो मेरी रोड क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी सर, रोड हो जाएगी खराब, प्रॉब्लम आएगी रोड में। ठीक है, ये बात हुई थी। उसके बाद सर हम लोग ने बात की थी केम्बर के ऊपर, है ना, ओके, अच्छा तुम कह रहे हो कि सर वीडियो 2x में चल रहा है, यहाँ एक बच्चा कह रहा है कि सर आपकी स्पीड 2x हो गया, लग रहा है यूट्यूब पे आप डबल स्पीड में चल रही है वीडियो, चलो ठीक है मैं स्लो कर देता हूँ, ओके ओके ओके, चलो क्विक रिवीजन ना आता इससे मेरी स्पीड बढ़ जाती है, चलो मैं स्पीड को स्लो कर देता हूँ और हम लोग चलते हैं वापस यहाँ पे। ठीक है, अरे अभी रिवीजन कर रहे हैं ना इसलिए सर, और केम्बर क्रॉस वॉल की बात हुई थी,
ठीक है, केम्बर बॉसवेल की बात होती है, इनका काम क्या था सर, केम्बर हम लोग इससे देते थे, केम्बर था थोड़ा स्लोप देना, क्यों देते थे स्लोप, ताकि पानी हमारा नीचे उतर जाए, और केम्बर की वैल्यू यार सारे बच्चे इतने सुनने जा, कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो सीमेंट कॉन्क्रीट थिन बिटुमिनस सरफेस और WBM और अर्थन रोड, है ना, इन चारों के लिए बच्चों कमेंट कर दो यार, कमेंट करके जल्दी से लिखो, इन चारों के लिए हैवी रेनफॉल में, हैवी रेनफॉल में कितना रखते हैं, इन चारों के लिए हैवी रेनफॉल में कितना रखें, कमेंट करो यार, कमेंट करो, कमेंट करो जल्दी, कमेंट करो, कमेंट चाहिए मुझे, कमेंट चाहिए, कमेंट नहीं आ रहा है यार, ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ये वैल्यू याद होनी चाहिए, जल्दी बताओ, 2, 2.5, 3 और 4 और 1.72 और 2.53, है ना, याद करने का तरीका था 2, 2.5, 3, 4 और देखो ये जो तुम्हारा क्या नाम है, 2 का थोड़ा कम कर दो 1.7 और ये 2, 2.5, 3 जो यहाँ लिखा है वही यहाँ पे भी लिखा है ना, यस और नो, ठीक है सर। अब हम लोग केम्बर के आगे चलते हैं शोल्डर पे, देखो शोल्डर क्या होता है हमारा सर, शोल्डर जो है आप लोग इसके आगे देते हो, इसके जस्ट आगे देते हो, कमेंट करो, वेरी गुड वेरी गुड, 2, 2.5, 3 और 4 है ना, याद आएगा इस तरह से, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोग को याद आएगा। अब देखो शोल्डर जो हम लोग देते हैं सर, शोल्डर होता है रोड के आगे, शोल्डर होता है रोड के और आगे चलते हैं, जैसे हमारा मेन रोड है केम्बर वहां देते हैं, उसके अलावा सर ये हमारी मेन रोड थी और इसके बगल में आपने जो इधर जगह दी है ये हमारा शोल्डर होता है, मिट्टी के बने होते हैं, यहाँ गाड़ी नहीं चलती है, गाड़ियां तो भाई ऑब्वियसली यहीं चलेंगी मेन रोड पे आपकी, है ना। तो ये शोल्डर के बारे में हमें बताइए सर, शोल्डर की स्लोप कितनी देनी होती है, ठीक है, तो आपको एक बार पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, क्रॉस स्लोप फॉर शोल्डर, क्रॉस स्लोप फॉर शोल्डर, शोल्डर की स्लोप कितनी होनी चाहिए, शोल्डर की जो स्लोप होनी चाहिए बेटा वो केम्बर से, देखो यहाँ केम्बर दिया है, यहाँ केम्बर दिया है और यहाँ शोल्डर दिया है, शोल्डर की स्लोप ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है सर, याद रखना क्रॉस स्लोप, ठीक है, क्रॉस स्लोप क्या होता है सर, क्रॉस स्लोप हमारा शोल्डर का थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, कितना ज्यादा रहेगा सर, 0.5% ज्यादा रहेगा देन केम्बर, याद रखना 0.5% स्टीपर देन केम्बर रहेगा, ठीक है सर, याद रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ एक बात और रखो, एक बात और रखो, कम से कम लेकिन ये भी याद रखना कि मिनिमम हमको 3% देना है, लेकिन मिनिमम बेटा कितना देना है, 3%, मिनिमम कितना, 3%। जैसे मान लो, मान लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं कि सर हम लोग के यहाँ हैवी रेनफॉल होती है, जगह थी जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, ओके सर, हैवी रेनफॉल होती है, और मान लो तुम्हारा वहां पे अर्दन रोड थी, तो मेरे लाल ये बताओ, हैवी रेनफॉल थी और अर्दन रोड थी, अर्दन रोड थी, तो कितना दोगे वैसे, 4 देंगे, 4% दोगे केम्बर, तो बताओ शोल्डर कितना देंगे, तो आधा परसेंट बढ़ा दो यार, हाँ वेरी गुड, आधा परसेंट बढ़ा दो, अरे यार 4 का आधा नहीं बता पाओगे, 4 का आधा बढ़ा के बताओ, 4.5, 4.5, आप बताओ क्या ये 4.5 3 से ज्यादा है, हाँ सर ज्यादा है, तो एक काम करो शोल्डर की जो स्लोप है क्रॉस स्लोप वो 4.5 दे दो, शोल्डर की जो क्रॉस स्लोप है 4.5 दे दो, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन यदि यहीं पे मैं बोलूं कि यहीं पे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, यहीं पर मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लो मेरा सीमेंट कॉन्क्रीट का आपका पेमेंट था और वहां पे लाइट रेनफॉल हो रही थी, तो वहां पे केम्बर की स्लोप सर 1.7% थी, ठीक, अब बताओ शोल्डर की स्लोप क्या होगी, कमेंट करो सारे बच्चे, यार केम्बर 1.7 है, केम्बर 1.7 जरा कमेंट कर दो, केम्बर 1.7 है, तो केम्बर मेरा 1.7 है सर, तो कमेंट करो शोल्डर की स्लोप कितनी होगी, शोल्डर स्लोप कितनी होगी, 0.5 ज्यादा मतलब 2.2, तो प्रोवाइड क्या 2.2 करोगे, कमेंट करो यस और नो, क्या 2.2 प्रोवाइड करोगे, 2.2 प्रोवाइड करेंगे कि 3 प्रोवाइड करेंगे, 3 करेंगे सर, 3, क्योंकि कम से कम कितना देना होता है, 3, यस सब सही सोच रहे हो, सब सही सोच रहे हो, कम से कम 3 देना होता है तो हम लोग 3 प्रोवाइड कर देंगे, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ, यस और नो, तो 1.7 में हमने 0.5 जोड़ा, तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ, यही मैं आपको उदाहरण बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल इफ इफ केम्बर स्लोप, वेरी गुड वेरी गुड, इफ केम्बर स्लोप, कमेंट आने चाहिए बराबर, केम्बर स्लोप इज 1.7% देन शोल्डर स्लोप हमारी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, शोल्डर स्लोप क्या हो जाएगी, देन शोल्डर स्लोप क्या हो जाएगी बच्चों, बिल्कुल सही बता रहे हो, 3% है ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक पॉइंट और याद रखो, तुमको मैंने बताया था कि केम्बर जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं बच्चों, तो केम्बर हम लोग पैराबोलिक दे सकते हैं, स्ट्रेट दे सकते हैं, कंबाइंड दे सकते हैं, पैराबोलिक और स्ट्रेट का मिक्सचर, मिक्सचर दोनों दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन 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 जब तुम्हारा सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट होता है, जब सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट होता है तब हमेशा केम्बर को स्ट्रेट लाइन में देते हैं, तब केम्बर को स्ट्रेट लाइन में देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, यहाँ एक नोट डाल के लिख देते हैं, फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट, फॉर सीसी पेमेंट, ध्यान सुनना जरा, बढ़िया सुनते चलो, फॉर सीसी पेमेंट, कमेंट करो, कमेंट करो जल्दी, लिखो फटाफट, फॉर सीसी, कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो, सीसी पेमेंट केम्बर कैसे देंगे,
गेमर कैसा देंगे, कमेंट करो यार, कमेंट करो। सीसी पेमेंट में, सीसी पेमेंट में गेमर कैसा देते हैं, क्यों भाई? स्ट्रेट लाइन कैसा देंगे, स्ट्रेट लाइन, याद रखना ठीक है। चलिए नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। अब पढ़ते हैं हम लोग आगे, अब पढ़ते हैं हम लोग और आगे ठीक है। अच्छा देखिए सर, क्रॉस सेक्शन बताइए और क्या क्या था, क्रॉस सेक्शन में और क्या क्या चीजें हमने अच्छे से पढ़ी थी, बात करते हैं फटाफट वन बाय वन करके ठीक है। तो मैंने आप लोग को यहाँ बताया था क्रॉस सेक्शन में हम लोग ने अभी तक देख लिया है क्या, केम्बर और शोल्डर। और बताओ आपको क्या दिखेगा, आपको साइकिल ट्रैक दिखेगा, पार्किंग लॉट दिखेगी, बस बेस दिखेंगे, है ना, बात हुई थी इसके ऊपर। और हम लोग को क्या दिखेगा, विड्थ ऑफ कैरिज भी दिखेगा। चलो ये करके हम लोग चर्चा करते हैं फटाफट, और भी चीजें देखते हैं हम लोग। अब मैं बात करता हूँ बेटा, अगला हमारा तीसरा है विड्थ ऑफ कैरिज वे, विड्थ ऑफ कैरिज वे, है ना, विड्थ ऑफ कैरिज वे। अच्छा सर बताइए विड्थ ऑफ कैरिज वे, हमें विड्थ ऑफ कैरिज बता दीजिए। देखो पहले समझो कैरिज वे क्या यार, कैरिज मतलब गाड़ी, वे मतलब रास्ता, गाड़ियों के रास्ते की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। अरे बहुत आसान है सर, बहुत आसान। तो देखो इसमें तुम्हें याद रखना है, देखो ये कितनी लेन प्रोवाइड करोगे, है ना, कितनी लेन प्रोवाइड करोगे और हर एक लेन की चौड़ाई कितनी होगी, ये निर्भर करता है यार वहाँ पे गाड़ियां कितनी जाने वाली हैं। यस सुन लो, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो जरा चार पांच चीजों में बता रहा हूँ, याद कर लो फटाफट, बहुत ईजी है। देखो याद रखना सिंगल लेन बेटा, कितना सिंगल लेन, सिंगल लेन की जो चौड़ाई होती है बेटा, कमेंट करो यार ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसको मतलब तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंगल लेन की चौड़ाई कितनी होती है बताओ, जल्दी बताओ। दो लेन होंगी तो चौड़ाई कितनी होगी, लेकिन वहां पे कोई कर्व नहीं है। कर्व क्या होता है तुम पूछोगे, कर्व क्या होता है, अरे कुछ नहीं यार, रोड होती है, रोड होती है तो रोड के तुमने साइड में ऐसे उठा हुआ देखा होगा, ये रेस्ट पोर्शन देखा है तुमने किसी ने, बस यही है यार कर्व, और क्या है। इसी को कर्व बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, कर्व बोलते हैं, कर्व, KERV, कर्व, उठा हुआ पोर्शन जो होता है ठीक है, इसको कर्व बोलते हैं। अच्छा टू लेन है, नो कर्व है तो कितनी चौड़ाई होगी, समझ रहे हो। अच्छा दो लेन में कभी कभी कर्व हो भी सकता है, कभी कभी कर्व नहीं भी हो सकता है, अगर होगा तो चौड़ाई कितनी होगी, नहीं होगा तो कितनी होगी, जरा कमेंट करो यार। यार सिंगल लेन की चौड़ाई तो बता दो जो IRC में लिखी हुई है, उसके बाद इंटरमीडिएट कैरेज, पांच की चौड़ाई है यार, पांच की चौड़ाई है जो तुमको दी गई है, इंटरमीडिएट कैरेज ठीक है, इंटरमीडिएट कैरेज हुए। उसके बाद लास्ट है तुम्हारा मल्टी लेन, मल्टी लेन का क्या याद रखना है तुम्हें, तो सुनो बहुत ईजी है, कुछ भी याद इसमें कठिन नहीं है। एक लेन की चौड़ाई सर होती है हमारी 3.75 या 3.8, कहीं कहीं कुछ और दिया, कहीं कहीं दे दिया 3.75, याद रखना। दो लेन की कितनी होगी बेटा, दो लेन की होती है 7, अगर कर्व भी आ गया, कर्व भी आ गया तो 7.5 meter। इंटरमीडिएट लेन, अच्छा इंटरमीडिएट क्या है यार, इंटरमीडिएट का मतलब ये ना सिंगल ना डबल, फिर से सुन लो, इंटरमीडिएट का मतलब होता है ना सिंगल ना डबल। सर सिंगल तो चलो मुझे समझ आया, टू लेन कर्व के साथ, कर्व के बिना, कर्व के साथ। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, ऐसा कैरिज जो ना वन लेन है ना टू वे है, बीच में है सर, यार बीच में आ गया सर, तो ना 7 होगा ना 3.5 होगा सर, ये तो 5.5 हो जाएगा, बीचों बीच। और मल्टी लेन बेटा हम लोग को याद रखना है कि 3.5 meter प्रति लेन, हर लेन की चौड़ाई आप 3.5 meter लो। जैसे मान लो 4 lane की रोड है, 4 lane का हाईवे है, तो यार चौड़ाई बताओ, कमेंट करो, कमेंट करो, तुरंत कमेंट करो फटाफट, सारे बच्चे कमेंट करो जल्दी से, फटाफट सारे बच्चे कमेंट कर दो, कमेंट कर दो फटाफट। 4 lane बोलो, बोलो बेटा जल्दी, 4 lane मतलब 4 lane होगा तो क्या हो जाएगा, 4 lane होगा तो 1.5 सर, 1.5, 4 की कितनी, बोलो बेटा जल्दी बोलो, 14 meter, सही सोचा तुमने, सही सोचा बेटा, सही सोचा, कितना मीटर, 14 meter, यस और नो, चलो वेरी गुड वेरी गुड, 14 meter सही सोचा तुमने ठीक है। अच्छा थोड़ा सा यहाँ डायग्राम देख लो, थोड़ा सा बेटा यहाँ डायग्राम देख लो, जैसे सिंगल लेन का बताता हूँ, डबल ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है ये। देखो जैसे मान लो मेरी रोड है सर, ये मान लो मेरी रोड है ठीक है, समझते चलना, समझते चलना। अब तुमको मैंने बताया था गाड़ी जो मेरी, गाड़ी की चौड़ाई बता कितनी बताई थी मैंने, सबको याद होगा 2.44 बताया था मैंने, याद होगा आप लोग को 2.44। ये मान लो आपके जैसे व्हील्स है, नीचे ये व्हील्स दिए गए हैं, इस तरह से व्हील्स हैं आपके, ये है ना, ये गाड़ी है आपकी जो भी मतलब इस तरह से जुड़ी हुई ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, गाड़ी हो गई हमारी। सुनना भाई ये तुम्हारी रोड है, ये तुम्हारी मोटी मोटी रोड है एकदम। अच्छा ये चौड़ाई सर कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक सर 2.44 सर 2.44 ठीक है, नो प्रॉब्लम। इधर कितनी जगह छोड़ी बेटा हमने, इधर छोड़ी 0.68, इधर छोड़ी 0.68 meter जगह, 0.68 meter जगह इधर छोड़ते हैं, 0.68 meter इधर छोड़ते हैं। अब जरा सारे बच्चे जोड़ बताओ, 0.68, 2.44 और 0.68, तीनों मिला कितना हो बेटा, ये IRC में लिखा है, मैं कुछ अपने मन से थोड़ी बता रहा हूँ, सब IRC में लिखा हुआ है, बता रहा हूँ। गाड़ी के आजू बाजू दोनों तरफ आप 0.68 जगह छोड़ दिए सर, है ना, तीनों जोड़ दोगे बेटा, तीनों जोड़ दोगे तो हो जाएगा 3.8 meter, तीनों जोड़ के बेटा कितना हो जाएगा 3.8 meter सिंगल लेन, 3.8 meter सिंगल लेन, 3.8 meter सिंगल लेन ठीक है, लगभग लगभग वही होता है ना,
इस तरह से बताया गया, और ऐसे तुम्हारा डबल लेन का भी, लेकिन उसे तुम्हें याद नहीं रखना, इतना आता है, जरूरत नहीं है, याद नहीं रखना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग डिवाइडर की, अब बात करते हैं बेटा डिवाइडर की, यार हमको क्रॉस सेक्शन डिवाइडर भी दिखता है, हमारा कैरिज भी आ गया वो हमें दिख गया, उसकी चौड़ाई कितनी देनी वो भी हमें दिख गया, अब बात करते हैं हम लोग डिवाइडर की, ठीक है। अरे डिवाइडर सुना है तुमने, वेरी गुड वेरी गुड, डिवाइडर सुना है, डिवाइडर जानते हो, डिवाइडर वैसे हम लोग बोलते हैं मीडियन, क्या बोलते हैं मीडियन, मीडियन मतलब बीच में आता है, बीच में आता है कौन, डिवाइडर मतलब ट्रैफिक सेपरेटर, जो ट्रैफिक को सेपरेट करे, जो ट्रैफिक को सेपरेट करे, एक गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, एक गाड़ी दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, तो उनको अलग अलग कौन करता है मेरा, ट्रैफिक सेपरेटर। तुम लोग क्या बोलते हो हिंदी में, डिवाइडर बोलते हो यार, क्या बोलते हो प्यारे बच्चों, डिवाइडर, वेरी गुड है ना, ठीक है सर। अब सुनो भाई, डिवाइडर कितना कितना चौड़ाई देनी होती है, बस तुम्हें इतना याद रखना है, ज्यादा इसमें कुछ जानना नहीं है, ठीक है। डिवाइडर की चौड़ाई क्या रखते हैं हम लोग, कितनी देते हैं डिवाइडर की चौड़ाई, देखो कुछ रूल्स हैं जो लिखे हुए हैं, आईआरसी जो रिकमेंड करता है वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आईआरसी क्या रिकमेंड कर रहा है हम लोग वो बात करेंगे, ठीक है। देखो यही सब तुम्हारे क्वेश्चन एसएससी में आ सकते हैं, यही सब क्वेश्चन हमारे वो थ्योरी वाले पूछते हैं, तो आईआरसी जो रिकमेंड करता है बच्चों कि डिवाइडर की चौड़ाई क्या होनी चाहिए, आईआरसी रिकमेंड्स, देखो दो चीजें हैं, तुम्हारी मिनिमम डिजायरेबल विड्थ, आईआरसी रिकमेंड्स मिनिमम डिजायरेबल विड्थ, अरे कम से कम सर, कम से कम मैं अगर इतनी चौड़ाई दे दूं मीडियन की तो मजा आ जाए सर, मजा आ जाए। तो इसमें देखो दो बातें तुम्हें याद रखनी है, कम से कम 5 मीटर देना होता है अगर तुम्हारा अर्बन ये रूरल हाईवे है, कौन सा हाईवे, रूरल, देखो रूरल क्या होता है ना, गांव के एरिया में यार जमीन ज्यादा है, जगह ज्यादा है, काफी जगह है, तो यार चौड़ाई ज्यादा दे दो, बीच में कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। गांव में अगर तुम होता क्या, प्रोजेक्ट जब बनते हैं तो गांव वालों से जमीन ली जाती है और वहां पे हाईवे बन जाते हैं, जमीन काफी रहती है, तो आप 5 मीटर की चौड़ाई दे दो, बीच में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा जैसे मान लो अर्बन एरिया है बेटा, क्या है बेटा, अर्बन एरिया, या मान लो जहाँ पे लैंड की थोड़ी कमी पड़ रही है, लैंड की थोड़ी कमी पड़ रही है, ठीक है, ठीक है, जहाँ पे लैंड की प्रॉब्लम है, तो वहां पे तुम 3 मीटर दे दो, लिख देते ब्रैकेट में, वेयर लैंड इज रिस्ट्रिक्टेड, वेयर लैंड इज रिस्ट्रिक्टेड मतलब कम है, प्रॉब्लम है मतलब, ठीक है, वेयर लैंड इज रिस्ट्रिक्टेड। अच्छा ये तो चलिए आपने बात कर ली कि ज्यादा से ज्यादा कितना देना है, मतलब जनरली हम लोग इतना देते हैं डिजायरेबल विड्थ है। अच्छा एब्सोल्यूट मिनिमम मतलब इससे तो कम देना ही नहीं है, एब्सोल्यूट मिनिमम की अगर बात कर लूं बेटा हम लोग, एब्सोल्यूट मिनिमम की बात कर लें हम लोग, तो लिख देता हूं मैं यहां पे एक पॉइंट और लिख देता हूं, एब्सोल्यूट मिनिमम कम से कम मुझे कितनी देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए सर, इससे कम तो नीचे नहीं जाएंगे, तो एब्सोल्यूट मिनिमम विड्थ, एब्सोल्यूट मिनिमम विड्थ ऑफ मीडियन, किसी को पता है, किसी को पता है बच्चों, किसी को पता है, बताइए 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 फटाफट बताइए, अगर पता है तो बताते चलिए, अगर पता है तो कमेंट करते चलिए, बताइए भाई एब्सोल्यूट मिनिमम विड्थ ऑफ मीडियन क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम विड्थ ऑफ मीडियन होती है हमारी 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, ठीक है, इसको सीधे सॉरी एक सेकंड इसको आगे बढ़ाते हैं, अरे यार एक सेकंड बेटा, हाँ कितना 1.2 मीटर, ठीक है 1.2 मीटर इसको याद रखना, और डिजायरेबल कितना है वैसे हमारा, डिजायरेबल है 5 मीटर, ठीक है। तो कम से कम सर हम 1.2 दे सकते हैं, और ज्यादा ज्यादा कितना दे सकते हैं सर हम लोग, 5, ये हमारा है सर डिजायरेबल मिनिमम, डिजायरेबल समझते हो, डिजायरेबल समझते हो कि नहीं बताओ सर, डिजायरेबल का मतलब होता है कि अगर हम लोग ने इतना दिया तो अच्छा हो जाएगा, अगर हम लोग ने इतना दे दिया तो अच्छा हो जाएगा। देखो हम लोग कोशिश क्या, देखो एक बात समझो यार, कोशिश कर रहे हैं 5 मीटर देने की, कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जैसे मान लो ये रोड है और बीच में डिवाइडर है, डिवाइडर तुम देखा होगा यहाँ फूल पत्ती लगी होती है, पेड़ लगे होते हैं, बीच में एक गाड़ियां इधर चल रही होती है, एक गाड़ियां इधर चल रही होती है, दो तरफ गाड़ियां चल रही, डिवाइडर होता है बीच में, तो कोशिश करनी है कि डिवाइडर चौड़ाई वैसे 5 मीटर है, लेकिन जगह का हमें तो 3 मीटर दे दीजिए। और मान लो अर्बन एरिया है, ठीक है, अर्बन एरिया में क्या है सर, काफी भीड़ भाड़ रहती है, काफी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, तो आप वहां पे कम से कम 1.2 मीटर दोगे, लेकिन कोशिश अगर आपको जगह मिल रही है तो 5 मीटर नीचे कभी मत जाओ, जगह आपको मिल रही है तो 5 मीटर नीचे कभी भी नहीं जाना है, बस इतना तुम्हें याद रखना है, ठीक है, इतना तुम्हें याद रखना है। अगला मेरा आता है सर पार्किंग लेन क्या होती है, पार्किंग लेन ये जानते हो, तुमने देखा होगा जैसे यूपी की अगर बात करूं, लखनऊ में काफी ऐसी जगह है जहां पे रोड पे ही पार्किंग दी गई है, रोड पे ही पार्किंग लेन्स दी गई है, ठीक है, ये मेरी रोड होती है, रोड के बगल में इधर पार्किंग लेन्स है ना, ऐसा है कई जगह। लखनऊ में तो आपको रोडों पे साइकिल ट्रैक भी दिखेंगे, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, साइकिल उनका चुनाव चिन्ह था, तो साइकिल ट्रैक बनवाए उन्होंने, काफी सारे साइकिल ट्रैक बनवाए हैं, ठीक है, तो फिर चर्चा करते हैं। तो क्रॉस सेक्शन पढ़ रहे थे बच्चों हम लोग, क्रॉस सेक्शन में विड्थ ऑफ कैरिज भी हमारा चल रहा था, यस सर, विड्थ ऑफ कैरिज शोल्डर था सर हमारा, केम्बर था, क्रॉस वॉल था, नो प्रॉब्लम, मीडियन ट्रैफिक सेपरेटर डिवाइडर की बात कर ली, पार्किंग लेन की बात करते हैं सर हम लोग,
पार्किंग लेन, देखो पार्किंग लेन बच्चा हम लोग को याद रखना है कि पार्किंग लेन कितनी मिनिमम वेट होती है, मिनिमम वेट ऑफ पार्किंग लेन कितनी होनी चाहिए, मिनिमम वेट ऑफ पार्किंग लेन कितनी बेटा, कमेंट करो कमेंट करो, कमेंट चाहिए कमेंट चाहिए, पता है किसी को, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं यार, सब आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, मैं अपना बन निकालते चला जा रहा हूँ एकदम। कितना मिनिमम वेट ऑफ पार्किंग लेन 3 मीटर सर, कितना मीटर 3 मीटर, ठीक है नो प्रॉब्लम, आसान है तो आसान है यहाँ तक, ठीक है। इन केस ऑफ पैरेलल पार्किंग, इन केस ऑफ पैरेलल पार्किंग, अब बात करते हैं सर लोग साइकिल ट्रैक की, अब बात करते हैं सर लोग साइकिल ट्रैक की, साइकिल ट्रैक की चौड़ाई कितनी दी जाती है बेटा, सुनते चलो यहाँ पे, साइकिल ट्रैक की क्या चौड़ाई दी जाती है, साइकिल ट्रैक बेटा आपके दिए जाते हैं 2-2 मीटर के, और जैसे जैसे तुम साइकिल ट्रैक में एक लेन दो लेन एक एक लेन बढ़ाते जाओगे तो हर एक लेन के लिए 1 मीटर बढ़ा दो, हर एक लेन के लिए 1 मीटर बढ़ा दो, बस इतना होता साइकिल के लिए। तो साइकिल लिखते हैं मिनिमम वेट ऑफ साइकिल ट्रैक, अगर एक है सिर्फ, अगर साइकिल ट्रैक में एक ही लेन है तो मिनिमम वेट ऑफ साइकिल ट्रैक कितनी है, मिनिमम वेट ऑफ साइकिल ट्रैक, कमेंट करो कमेंट चाहिए कमेंट चाहिए कमेंट करो बेटा, कमेंट पे कमेंट करिए कमेंट करिए, कितना 2 मीटर, 2 मीटर बेटा कितना 2 मीटर, लेकिन अगर मैं एक एक लेन बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है अब आगे लिख रहा हूँ मैं कि जैसे जैसे आप एक एक लेन बढ़ाते जाएंगे आपका 1-1 मीटर बढ़ता जाएगा, 1-1 मीटर बढ़ता जाएगा, ठीक है आसान बात है, तो कोई कठिन चीज नहीं है, 2 मीटर दो एंड यहाँ लिखेंगे विड्थ इज इंक्रीज्ड, विड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 1 मीटर फॉर एवरी 1 लेन, विड्थ इज इंक्रीज्ड बाय एवरी 1 मीटर, विड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 1 मीटर फॉर एवरी एडिशनल लेन, फॉर एवरी एडिशनल लेन, आसान बात है समझ गए होंगे, होशियार बच्चे हो, आप सुनो भाई आप सुनो, अगला अगला सर मेरा क्या है, बस बस बे, यार ये बस बे क्या है, तुमने देखा है वहां पे क्या नाम है, कभी कभी तुम हाईवे पे जाते हो तो तुमको बस स्टैंड दिखाई देते हैं साइड में, छोटे से बस स्टैंड बने रहते हैं, बस बेस बोलते हैं उन्हें, क्या बोलते हैं यार बच्चों, बस बेस बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें दिखती हैं हमें रोड का क्रॉस सेक्शन लोगों को, तो काफी सारी चीजें की बस बेस, अच्छा देखो बस बेस की रूल क्या है, रूल ये बोल रहा है ऐसे कि जैसे मान लो कोई चौराहा है, कोई इंटरसेक्शन है, कोई क्रॉसिंग है, तो क्रॉसिंग से कम 75 मीटर दूर जाओ, क्रॉसिंग से कम 75 मीटर दूर जाओ, वहां पे बस स्टैंड दे दो, वहां पे बस स्टैंड क्या है, बस स्टैंड नहीं, बस स्टैंड तो काफी बड़ी चीज होती है, बस बेस दे दो, बस बेस, ये क्या है हमारा बस बेस, ठीक है कितना दूर गए सर 75 मीटर, याद रखना 75 मीटर, यार सारे पॉइंट कवर करूंगा बढ़िया बढ़िया बता दूंगा, तुम लोग सब समझते भी चलोगे, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, क्या है सर ये मेरा, क्या है सर ये मेरा बस बेस, यहाँ पे लोग खड़े रहते हैं, तुमने देखा होगा यहाँ पे लोग खड़े रहते हैं एकदम आराम से इंतजार करते हैं ना, अरे हाँ भाई बस आ रही है बस आ रही है, चलो बैठ जाते हैं चले जाते हैं, तो बस ये सब यहाँ बस में रुकती है, तो बसें चौराहे से 75 मीटर आगे कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और क्या सर देखा है सर, हमने और भी बहुत सारी चीजें देखी सर, हमको सर्विस रोड भी दिखती है यार, मेन रोड के बगल में सर्विस रोड होती है कि नहीं, सर्विस रोड होती है पत्ती पत्ती बगल में है ना, तो सर्विस रोड होती है, साइकिल ट्रैक सर होते हैं, काफी सारी चीजें लोग पता चलेंगे, और बेटा क्या होता है फुटपाथ भी होता है सर, यस और नो, यस और नो, फुटपाथ देखा है आप लोगों ने, हाँ सर फुटपाथ भी देखा है, फुटपाथ भी होता है चलने के लिए, पैदल जो हमारे पेडेस्ट्रियंस होते हैं, जो पैदल यात्री होती है, जो बगल में रोडों में चलते हैं फुटपाथ, वैसे देखो अपने देश में तो यार रोड लोग सड़क पे चलने लगते हैं, गाड़ी जाने की जगह नहीं है, वहाँ पे कचर कचर हो रही है, सब चल रहे हैं सब जगह है ना, तो अपने यहाँ तो चलो काफी रोड पर फुटपाथ नहीं है, कहीं कहीं है भी, काफी डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, ठीक है पैदल यात्रियों के लिए होते हैं फुटपाथ। फिर हमारा क्या होता है सर, और होता है गार्ड रेल, गार्ड रेल होता है सर, गार्ड रेल क्या होता है, तुमने देखा होगा नेशनल हाईवे पे अगर तुम कभी गए हो, कहीं एम्बैंकमेंट आता है प्यारे बच्चों, क्या आता है एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट रोड बनी होती है अगर, तो तुमने देखा होगा साइड में ऐसे रेल वो गार्ड रेल्स दिए होते हैं, गार्ड रेल्स क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ गाड़ी चल रही है तो नीचे ना गिर जाए, नीचे ना गिर जाए, ठीक है पॉइंट समझ रहे हो मेरा, तो कभी भी आपकी एम्बैंकमेंट में रोड बनी हुई है तो हम लोग गार्ड रेल जरूर देते हैं, और अगर आपकी ये हाइट जो ये हाइट है, हाँ बिल्कुल ये हाइट जो है सर, अगर ये हाइट 3 मीटर से अधिक हो रही है, अगर बेटा मेरे दोस्त ये हाइट 3 मीटर से अधिक हो रही है तो हम लोग यहाँ पे सुनिश्चित तौर से हम लोग 100% यहाँ पे क्या करेंगे, गार्ड रेल जरूर देंगे, ठीक है गार्ड रेल मतलब जो रक्षा करते हैं हमारी, ठीक है नीचे गिरने से बचाएंगे, सीधी बात, ठीक है चलो नो प्रॉब्लम सर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग विड्थ ऑफ फॉर्मेशन की ओर, अब बात करते हैं सर ये विड्थ ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, बिल्डिंग लाइन कंट्रोल लाइन ये सब क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे, इसके लिए हम लोग एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे जिससे हम लोग को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बड़ा आसान सा डायग्राम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या करना है सर देख, क्या करना है देखते चलो मेरे साथ, ठीक है ये है सर आपका मेन रोड, तो जहां रोड बन रही होती है उसके आगे काफी आगे तक कब्जा करते हैं हम लोग, जहां रोड बनानी है सिर्फ रोड के जितनी बननी होती है चौड़ाई नहीं लोगे, काफी आगे तक जगह को कब्जा करोगे, लैंड को एक्वायर करोगे, लैंड एक्विजिशन बोलते हैं इसे, लैंड को एक्वायर करेंगे, ठीक है
तो देखो सबसे दूर दूर जो मेरी लाइन होती है वो होती है ओवरऑल विड्थ बिटवीन कंट्रोल लाइन, सबसे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है इसको बोलते हैं कंट्रोल लाइन की निचली डिस्टेंस। सबसे बाहर वाला बेटा क्या आती है कंट्रोल लाइन, सबसे बाहर वाला क्या आती है कंट्रोल लाइन, फिर आती है बेटा मेरी बिल्डिंग लाइन, फिर आती है मेरी बिल्डिंग लाइन, यस और नो, यस और नो, काफी दूर दूर होती है, काफी दूर दूर होती है, ये आती है मेरी बिल्डिंग लाइन, ये दोनों हो गई बिल्डिंग लाइन, ठीक है। कंट्रोल लाइन का मतलब क्या है कि जहां तक तुम अपनी रोड बनाने समय कंट्रोल रखोगे। बिल्डिंग लाइन मतलब क्या होता है, इस लाइन के पीछे से बिल्डिंग आना शुरू होगी, ये रोड है भाई, इस लाइन के पीछे बिल्डिंग होगी, इस लाइन के पीछे बिल्डिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तुम बना रहे थे रोड को तब तुमने यहाँ तक का कंट्रोल लिया था, तो पूरा हमारा कंट्रोल लाइन, फिर ये हमारा बिल्डिंग लाइन। उसके बाद बेटा आता है तुम्हारा रोड लैंड विड्थ, जो तुम्हारी मेन रोड है, जो मेन अपनी रोड है, रोड लैंड की, ये हमारी हो गई मेन रोड लैंड की विड्थ। और असली हाईवे तो सर हमारा यहाँ होगा, असली कैरिज वे तो सर यही होगा बीच में, ब्लैक रंग का, ब्लैक रंग का ये हमारा कैरिज वे होता है, ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ दो बगल में, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये सर हमारा हो गया कैरिज वे, ये हमारा हो गया कैरिज वे, ठीक, आसान है, नो प्रॉब्लम, ये हमारा मेन कैरिज वे है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हमारा हो गया कैरिज वे, सेंटर में हो गया कैरिज वे, जहाँ पे गाड़ियां आपकी चलती हैं, जहाँ पे गाड़ियां आपकी चलती हैं, जिसको बोलते हैं रोडवे फॉर्मेशन। यहाँ से लेके यहाँ तक को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, रोडवे फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक को बोलते हैं हम लोग क्या, रोडवे, रोडवे क्या बोलते हैं, रोडवे, रोडवे या एक और नाम है इसका फॉर्मेशन, रोडवे बोलो या फॉर्मेशन बोलो, ठीक है, क्योंकि इतने फॉर्मेशन में तुमने रोड को बनाया है, इतने ही फॉर्मेशन में तुमने रोड को बनाया हुआ है, ठीक है, ओके सर। अच्छा यहाँ से यहाँ तक को बताइए सर, ये क्या है सर हमारा, ये क्या है बिल्डिंग लाइंस, ये क्या है डिस्टेंस बिटवीन कंट्रोल लाइंस, समझ पा रहे हो मेरी बात, समझो बात को समझो, यहाँ पे ठीक है, इसको शेडेड कर देना क्योंकि लाइंस है सिंपल सी, यस और नो, चलिए नो प्रॉब्लम सर, लिखते चले जाइए आप, ठीक है बेटा, ये जो हमारा है, ये जो हमारा प्यारे बच्चों डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोड लैंड विड्थ, राइट ऑफ वे, क्या बोलते हैं सर, रोड लैंड विड्थ, यहां से यहां तक बोलते हैं रोड लैंड विड्थ या राइट ऑफ वे, क्या बोलते हैं, राइट ऑफ वे, आर ओ डब्ल्यू, तो तुमको पता रहना चाहिए रोड राइट ऑफ वे क्या है, मतलब हमारी जो मेन लैंड रोड लैंड की विड्थ है उसको हम लोग बोलते हैं राइट, रोड लैंड विड्थ या राइट ऑफ वे। उसके बाद ये क्या है सर, ये है कंट्रोल बिल्डिंग लाइन, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग लाइन, यस और नो, ओवरऑल विड्थ बिटवीन, ओवरऑल विड्थ बिटवीन बिल्डिंग लाइंस, विड्थ बिटवीन बिल्डिंग लाइंस, ओके सर नो प्रॉब्लम, विड्थ बिटवीन बिल्डिंग लाइंस, अच्छा ठीक है सर। अब बताइए आगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सबसे बाहर बाहर की जो लाइन है, ओवरऑल विड्थ बिटवीन कंट्रोल लाइंस, ओवरऑल विड्थ बिटवीन कंट्रोल लाइंस, आसान है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, ओवरऑल विड्थ बिटवीन कंट्रोल लाइंस, ठीक है, आसान है ये, ठीक है, कितना लेते हैं, क्या लेते हैं, ये समझ जाना जरूरत नहीं है इतना, ये सब जरूरत नहीं है, तुम बस ये जाने रहो सबकी डेफिनेशंस क्या है, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड, 70। शाहरुख पूछ रहे हैं सर ब्रिज में इंटरसेक्शन कितना, वो अब थोड़ा डाउट लेते हैं हम लोग, थोड़ा डाउट में देख लेता हूँ, यहाँ पे शाहरुख ने पूछा है कि सर ब्रिज में हमारा इंटरसेक्शन, ये क्या नाम है, मीडियन कितना होता है ना, वेरी गुड, ब्रिज में मीडियन कितना होता है, मैं कमेंट करता हूँ, ब्रिज में बेटा देखो लिख देता हूँ पीछे, मीडियन नहीं जोड़ देते हैं उसको, जगह बच रही नहीं बच रही है, ब्रिज में बेटा तुम्हारा होता है 1.2 से 1.5 मीटर है ना, लिख दो भाई, ब्रिज में मीडियन हमारा होता है 1.2 से 1.5 मीटर, ओके, और क्या डाउट आया है, और क्या डाउट आया है, पीडीएफ, पीडीएफ चाहिए बेटा, है यार पीडीएफ थोड़ा हो जान दो, थोड़ा लेक्चर कवर हो जान दो, मैं डाल दूंगा सब, धीमे धीमे पहुंच ही जाएगा, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे साइड डिस्टेंसेस की ओर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं साइड डिस्टेंसेस की ओर, अभी हम लोग ने क्या कवर कर लिया है, अभी हम लोग ने क्रॉस सेक्शन सारा कवर कर लिया भाई, क्रॉस सेक्शन जितना हमारा होता है हम लोग ने काफी कुछ यहाँ पे कवर कर लिया है। तुमसे पूछे राइट ऑफ वे क्या होता है, तो याद रखना राइट ऑफ वे वो जगह है जो एक्चुअल में जहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, जितनी लैंड हम लोग एक्वायर करते हैं, जितनी लैंड हम लोग एक्वायर करते हैं, ठीक है, चलो एक्वायर कह रहा हूँ, जितनी लैंड हमें कंस्ट्रक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, एक्वायर करते हैं पूरा एंड टू एंड,
कंट्रोल लाइन के बीच में है ना। अब साइड डिस्टेंस पढ़ते हैं, सुनो भाई, यहां से यहां तक की लैंड रिक्वायर्ड है, यहां से यहां तक की लैंड रिक्वायर्ड है फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए अलाइनमेंट करना है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करना होता है। लेकिन यहां से यहां तक की रोड को हम लोग क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं पहले कंस्ट्रक्शन करने के बाद, ठीक है। एनी प्रॉब्लम यहाँ पे? अब यहाँ शाहरुख कह रहे हैं 3 मीटर वाला समझ नहीं आया इसने, 3 मीटर वाला बता दो तुमको, एक सेकंड रुक जाओ भाई, 3 मीटर वाला सुन लो भाई, क्या है यार ये देखो, तुम अगर कभी हाईवे पे गए हो शाहरुख भाई, सुनना जरा ध्यान से, तुमने एम्बैंकमेंट में कभी रोड बननी देखी है? ये एम्बैंकमेंट बनाते हैं पहले मिट्टी के, उसके ऊपर रोड बनती है, उसके ऊपर रोड बनती है। तुम कभी अगर हाईवे पे जाओ, तुमने शायद जरूर देखा हो, कभी कभी आप देखो रोड के नीचे ऐसे जगह जा रही होगी, एम्बैंकमेंट के ऊपर रोड बनाए, पहले जैसे मान लो कि ग्राउंड है, इससे मैंने एम्बैंकमेंट बनाया, एम्बैंकमेंट बनाया और यहाँ पे रोड बनाएगा, यहाँ पे रोड बनाएगी। तो अगर एम्बैंकमेंट काफी ऊंचे ऊंचे हैं, अगर एम्बैंकमेंट 3 मीटर से ऊपर है, ऊंचाई पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे गार्ड रेल दे देंगे ना, प्रोटेक्शन दे देंगे, ताकि हमारी जो गाड़ियां चल रही वो नीचे ना गिर जाए, ठीक है। अरे हाईवे पे गया, तुमने देखा होगा यार, गार्ड रेल्स लगे रहते हैं स्टील के, है ना, आयरन वायरन के लगे नहीं रहते हैं साइड में, गार्ड रेल्स नहीं देखे तुमने? एक बार गूगल सर्च करो, तुरंत दिख जाएगा, गार्ड रेल्स कोई बड़ी चीज थोड़ी। बस तो एम्बैंकमेंट मैं बताना चाह रहा हूँ, एम्बैंकमेंट पे जो रोड बनती है, जो रोड थोड़ी ऊंचाई बनती है, उनमें क्या होता है बेटा हमारा, गार्ड रेल्स प्रोवाइड किया जाते, ठीक है। अगला एक और डाउट आ रहा है यहाँ पे, क्या डाउट आया है, फुटपाथ की विड्थ कितनी देते हैं? फुटपाथ की ऐसा कोई विड्थ लिखी नहीं है भाई, ठीक है, लेकिन फुटपाथ ये लिखा हुआ है कि अर्बन एरिया में दिया जाता है, और दूसरा तुम्हारा क्या नाम है, जब क्या नाम है, ट्रैफिक, पैदल यात्री वाला ट्रैफिक ज्यादा होकर, है ना, ठीक है, व्हेन पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक इज हाई तब प्रोवाइड करते हैं हम लोग, पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक ज्यादा हो तब ट्राई करो, और दूसरा अर्बन एरिया में, ठीक है, क्लियर। अब चलो आगे बढ़ते हैं, पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक इज हाई एंड इन अर्बन एरियाज, ये जनरल रूल है फुटपाथ, कैसे कोई चौड़ाई वगैरह नहीं होती इतनी। पैदल लोग तो क्या करते हैं, कहीं से भी कट मार के चले जाएंगे, है कि नहीं, तुम जानते नहीं पैदल लोगों को, पैदल यात्री तो हमारे कहीं से भी कहीं चले जाते हैं, यस और नो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे डाउट आ गए हैं, सरकार हाइट आगे बताऊंगा, आगे आएगा। उसके बाद तीन टाइप के कर्व होते हैं, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, चिंता ना करो। और क्या है, रोड मार्सिन क्या होता है, रोड मार्सिन तो सुना नहीं मैंने यार, रोड मार्सिन देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है, रोड मार्सिन नहीं पता। और क्या है, कर्व हाइट अभी आगे आएगी, और बस ठीक है, डाउट क्लियर हो गए सारे। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, SHD पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग SHD कह रहे हैं, साइड डिस्टेंसेज में आते हैं, देखो मेरी बात समझना, साइड डिस्टेंसेज हम लोग को मेनली दो पढ़नी है। अब देखो तुम एक पॉइंट समझो, पहले भी खत्म क्या कर लिया, क्या कवर कर लिया, देखो हमने ये वाला पढ़ लिया, हमने चैप्टर का ए पार्ट क्रॉस सेक्शन एलिमेंट सारे देख लिए, ओके, क्रॉस सेक्शन सारे मैंने बताते, देखो कितने सारे बताया तुम्हें, कितने सारे बता दिए बताओ, केम्बर बताया, शोल्डर बताया, विड्थ ऑफ कैरिज, मीडियन ट्रैफिक सेपरेटर, पार्किंग लेन, साइकिल ट्रैक, बस बे, सर्विस रोड, फुटपाथ, गार्ड रेल, सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है, और डायग्राम बता दिया। हाँ बिल्कुल सही, माउंटेबल सही, मेरे कर्व के टाइप बताऊंगा आगे, कर्व के टाइप बताता हूँ, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं हम लोग साइड डिस्टेंसेज पे, एंड में डायग्राम बना देंगे हम लोग। अब आते हैं हम लोग बेटा साइड डिस्टेंस दूसरे पे, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, साइड डिस्टेंस, ठीक। तो बी पार्ट हमारा क्या है सर, साइड डिस्टेंसेस, बी पार्ट हम लोग शुरू करते हैं साइड डिस्टेंसेस। अच्छा साइड डिस्टेंसेस तुमको मेनली दो पढ़नी है, मेनली दो पढ़नी, मैं तुम्हें तीन जाने बताऊंगा फिलहाल, SHD, OHD और ISD, तीन जाने बात होगी, तीन जाने बात होगी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप देखिए हम लोग पहली जो पढ़ने वाले हैं सर, पहली जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। भाई एक बात बताओ मुझे, तुम लोग रोड पे चल रहे हो यार, मान लो अचानक से एकदम से कुत्ता दौड़ के आ गया सामने, एक डॉग आपका भाग के एकदम से आ गया रोड के सामने, तो यार जैसे तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है सामने, तुम्हें एक डॉग ही दिखाई दे रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, उसको देखते तुम्हें उसको क्या करना है, उसको देखते तुम्हें क्या करना है, ब्रेक लगाना है। तो ब्रेक लगाने में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा, मतलब मैं किसी चीज को देखता हूँ फिर सोचता हूँ ब्रेक लगा के स्टॉप हो जाऊं तो कितनी दूरी मुझे दिखनी चाहिए सामने। अब खुद सोचो, मान लो तुमको ब्रेक लगाने में, रिस्पॉन्ड करने में और ब्रेक लगाने में मान लो 80 मीटर का डिस्टेंस चाहिए, कम से कम 80 मीटर का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है।
ठीक है 80 मीटर का मुझे डिस्टेंस चाहिए, लेकिन मैं क्या करूंगा, बिल्कुल सही 80 मीटर डिस्टेंस चाहिए, मैं थोड़ा सेफ के लिए क्या करूंगा ज्यादा मीटर डिस्टेंस दूंगा, लेकिन अगर मान लो तुमने कम डिस्टेंस दे दिया, अगर मान लो तुमने यहाँ पे कम डिस्टेंस दे दिया और तुमने 50 मीटर डिस्टेंस दिया, तो बताओ अगर कोई ऑब्जेक्ट अचानक सामने आ गया तो तुम रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे, भिड़ जाओगे, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं अच्छी खासी साइड डिस्टेंस देते हैं, ताकि हमको इतना दूर का दिखता रहे कि अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुक भी जाए, अगर ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुक भी जाए, ठीक है। हाँ सूरज जी कह रहे हैं हेडलाइट साइड डिस्टेंस, बिल्कुल हेडलाइट साइड डिस्टेंस होता है, इंटरसेक्शन का साइड डिस्टेंस होता है, काफी होते हैं, 5 होते हैं वैसे, ठीक है 5 होते हैं, क्वेश्चन हमारे 3 से बनते हैं, क्वेश्चन 3 से बनते हैं, गेट वेट में आपका जो है हेडलाइट साइड डिस्टेंस और इन सबसे क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 होते हैं टोटल, ठीक है। चलो नो प्रॉब्लम, हमें 3 से मतलब यार, हम लोग को रिविजन चल रहा है, रिविजन चल रहा है, देखो डेप्थ में हम लोग नहीं कर रहे हैं इतना, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपके बहुत सारे पॉइंट्स कवर करा दूंगा, आपको एकदम अच्छा लगेगा यहाँ, ठीक है, काफी एग्जॉस्टिव आपको लगेगा, आपको मजा आएगा, ठीक है। चलो क्लियर, अब जल्दी से मुझे बताओ एसएसडी का फॉर्मूला क्या होता है, सारे बच्चे तेरा एसएसडी का फॉर्मूला बताओ फटाफट फटाफट, ठीक है एसएसडी का फॉर्मूला बताओ, पता है आप लोगों को नहीं, एसएसडी जो हमारा होता है ये दो चीजों से मिलकर बना है, एसएसडी हमारा दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है लैग डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस होता है बेटा जब तक तुम सोच रहे हो कि ब्रेक लगाएंगे, तुमने कोई चीज देखी, तुमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा सामने, ठीक है, तुमने किसी ऑब्जेक्ट को सामने देखा और सोचा कि ब्रेक लगाना है, कि ब्रेक लगाना है, तो सोचने में जितना समय लगा निकल गया, सोच जब तक सोचोगे 2-2.5 सेकंड तब तक भी कुछ डिस्टेंस चलोगे ना यार, वो होता है लॉन्ग डिस्टेंस, और असली में ब्रेक लगाने में बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला बहुत आसान है, फॉर्मूला होता है क्या, वीटी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gl, वीटी अपॉन वी स्क्वायर अपॉन 2gl। अच्छा ये जो फॉर्मूला तुम लिख रहे हो बेटा, ये जो तुम्हारा फॉर्मूला ये सारा स्मॉल में है, v तुम्हारा बेटा क्या है, v है गाड़ी की स्पीड इन मीटर पर सेकंड, t का मतलब यहाँ पे क्या होता है रिएक्शन टाइम होता है, बगल में से लिखते चलते हैं फटाफट एकदम बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन तरीके से लिखते चलेंगे बगल में, t का मतलब क्या है सर, यहाँ पे t का क्या मतलब है बेटा, रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम कितना लेना होता है जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो सर, कमेंट करो रिएक्शन टाइम कितना, रिएक्शन टाइम कितना, बोलो बोलो जल्दी बोलो, रिएक्शन टाइम कितना सर, हम लोग लिखते हैं लगभग लगभग 2.5 सेकंड, लगभग लगभग 2.5 सेकंड, ठीक है। और वी क्या है सर, वी हमारी जो जो रोड है, जैसे मान लो नेशनल हाईवे तो डिजाइन स्पीड कितनी होती है, 100 होती है ना, इस तरह से हर एक रोड की डिजाइन स्पीड अलग होती है, वी को आप रख रहे हैं यहाँ बेटा किसमें, मीटर पर सेकंड में, मैं सारे फॉर्मूले तुमको मीटर पर सेकंड बताऊंगा, सारे फॉर्मूले तुमको मीटर पर सेकंड बताऊंगा, समझते चलना, समझते चलना, ठीक है। अच्छा इसी को अगर तुम किलोमीटर उसमें लिखो कैपिटल वी वाले फॉर्मूले में, तो ऐसा बन जाता है ये 0.278 कैपिटल वी, कैपिटल वी मतलब केएमपीएस वाली स्पीड, केएमपीएस वाली स्पीड, तब क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ, वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ, 254 एफ, यह हो जाता है आपका फॉर्मूला एसएसडी का। लेकिन इसमें आपका जो v है बेटा याद रखना, इसमें जो आपका v है वो इसमें आपका v जो है किसमें, kmph में, kmph। अब तुमको जो फॉर्मूला अच्छा लगे याद कर लो, जल्दी मैं तो क्या करता हूँ स्मॉल वाला याद रखता हूँ, और यहाँ पे v सर हमारा किसमें, यहाँ पे v हमारा मीटर पर सेकंड में, तो ये फर्क है दोनों फॉर्मूले में, ठीक है, ये दोनों में फर्क है, मीटर पर सेकंड, क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। अब बात करते हैं सर एफ की, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों एफ की, हाँ वेरी गुड 98% आगे आएगा, ट्रैफिक में आएगा, ठीक है चलो बहुत बढ़िया, तुम लोग जानते हो, सब अच्छी बता दो एकदम। अब एफ की बात करते हैं, देखो एफ जो होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर, वो बेटा डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है सर, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है गाड़ी की, तो आपका एफ कम हो जाएगा, तो आपका एफ जो है स्पीड डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जैसे स्पीड की अगर बात करूँ, स्पीड मेरी 30 किलोमीटर पर आवर से कम है, स्पीड बेटा आपकी अगर 30 किलोमीटर पर आवर से कम है, समझते चलना, समझते चलना यहाँ पे, ठीक है समझते चलो, बहुत मजेदार है यहाँ पे, समझ में आएंगे, बहुत बढ़िया चीज पता चलेगी यहाँ पे, क्या है सर वो चीज बताइए। अगर स्पीड बेटा तुम्हारी 30 किलोमीटर पर आवर से कम है, तो एफ की वैल्यू तुम्हारी 0.4 होगी, स्पीड अगर तुम्हारी 40 हो गई, तो ये हो जाएगा 0.38, इस तरह से कम हो जाएगा 0.37, ठीक है, तब हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी 50। अब देखो स्पीड बढ़ रही है यार, स्पीड बढ़ रही है कि नहीं बताओ, स्पीड बढ़ती जा रही है, हाँ सर स्पीड बढ़ती जा रही है, स्पीड अगर बढ़ती जाएगी तो क्या होगा हमारा एफ की वैल्यू कम होती जा रही है, और एफ की वैल्यू सबसे कम कितनी जाएगी 0.35, मतलब कम से कम एफ की वैल्यू कितनी लेंगे 0.35। तभी देखो यहाँ पे जब मैंने पिछले तुमको पढ़ाया था तो एफ की वैल्यू कितनी बताई थी, सॉरी यहाँ बहुत ज्यादा पीछे चले गए हम लोग, एफ कितना बताया था मैंने, देखो 0.35 से 4 बताया था, क्यों मैंने 0.35 से 4 बताया, क्योंकि 0.35 तब होता है जब स्पीड ज्यादा होती है, 0.35 तब होता है जब स्पीड ज्यादा होती है, और 0.4 कब होता है जब स्पीड कम होती है, 0.4 तब होता है जब स्पीड कम होती है, स्पीड कम होती है, क्लियर। स्पीड जब कम होगी तो एफ की वैल्यू कम होगी, स्पीड जब कम होगी तो एफ की वैल्यू ज्यादा होगी, उल्टा है मतलब इनवर्स है यार, इनवर्स मोटा मोटा क्या इनवर्स है, ठीक है इनवर्स है, ठीक है क्लियर। हाँ ये गिवन रहता है, जनरली गिवन रहता है, लेकिन तुमको पता भी रहना चाहिए, कभी कभी नहीं गिवन है तो आपको याद होना चाहिए, ऐसा ना हो कि पता ना हो, ठीक है पता ना हो, पता चलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो ये फॉर्मूला भी कंप्लीट नहीं है, इसमें कभी कभी ग्रेड के इफेक्ट लगते हैं, ग्रेड यार कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमारी रोड जो होती है वो एकदम सीधी ना होकर ऐसे चढ़ाई आती है, उसमें चढ़ाई आ जाती है, कभी आपको आपको ग्रेड ऊपर जाने लगता है, कभी नीचे जाने लगता है, ठीक है।
कभी मान लो एक ग्रेड ऊपर जा सकता है, कभी मान लो एक ग्रेड नीचे भी जा सकता है, रोड ऊपर जा सकती है नीचे भी जा सकती है, समझ रहे बात? पॉइंट समझो यार, पॉइंट पकड़ो, पॉइंट पकड़ो, ठीक है। तो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि इफेक्ट ऑफ ग्रेड ऑन एसएसडी। सर अगर हमारी ढलान आएगी या चढ़ाई आएगी, इफेक्ट ऑफ ग्रेड, सॉरी यहाँ पे इफेक्ट ऑफ ग्रेड ऑन ऑन एसएसडी, तो देखो हमारा फॉर्मूला तुरंत बदल जाएगा, हमारा फॉर्मूला तुरंत बदल जाएगा। और हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा वही है यार, कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा है। Vt वही रहेगा, v² upon 2g। अब देखो f में यार फ्रिक्शन बड़ा कम जाता है थोड़ा सा, तो f प्लस माइनस n अपॉन 100। अब तुम पूछोगे सर ये n क्या है, अरे n ये वही है, या तो अपग्रेड हो गया तो डाउनग्रेड हो गया, प्लस है तो अप लगा दो, माइनस है तो डाउन लगा दो, ठीक है। जैसे मान लो रोड ऊपर जा रही है, रोड मान लो बेटा ऊपर जा रही है इस तरह से, ठीक है, और इसका जो स्लोप है वो दिया है 1 in n, कितना दिया 1 in n, इस तरह से, तो ये n हो गया। मान लो 2% दिया है, तो 2% मतलब 2 upon 100 रखोगे ना यार, 2% का 2 upon 100 रखोगे कि नहीं, तो बस यहाँ तुम रख दो, यहाँ क्या रख दोगे 2 रख दोगे, यहाँ n की जगह क्या रख दोगे 2 रख दोगे, 100 तुमने पहले से लिख दिया, ठीक है, और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे n तुम्हारा परसेंटेज में है, n तुम्हारा परसेंटेज में है। और एक बात, प्लस कब लगाएंगे, जब ऊपर जाएंगे, तो हम लोग दो बातें लिख देते हैं सर यहाँ पे कि प्लस तब लगता है जब हम लोग जाएंगे अपग्रेड, ओके, प्लस तब लगाएंगे जब लोग जाएंगे अपग्रेड, और माइनस तब लगाएंगे जब लोग जाएंगे डाउनग्रेड, माइनस तब लगाएंगे जब लोग जाओगे बेटर डाउनग्रेड, जब नीचे जाएंगे तो माइनस, ठीक है। अच्छा तुम खुद बताओ यार, जब तुम नीचे जा रहे हो तो स्पीड ज्यादा होगी, जब नीचे जा रहे हो स्पीड ज्यादा होगी, यस और नो, यस हाँ सही बात है, जब नीचे जाएंगे ज्यादा स्पीड होगी, यस सही बात है। तो यहाँ अगर माइनस लगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर यहाँ माइनस लगाओगे तो डिनोमिनेटर कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो एसएसडी बढ़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर, डाउनग्रेड में आपका एसएसडी ज्यादा होगा, क्योंकि आप नीचे जा रहे हैं तो आपको ब्रेक लगाने में डिस्टेंस चलना, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ जाएगा, और अगर आप ऊपर जा रहे होंगे तो गाड़ी वैसे ही रुक रही होगी तो जल्दी रुक जाएगी, तो एसएसडी आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। मोटा मोटा याद रखना है यहाँ पे दो बातें जो बहुत जरूर बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान सुनना कि जब आप ऊपर जाएंगे तो एसएसडी थोड़ा सा कम हो जाता है, और जब आप नीचे जाएंगे तो एसएसडी थोड़ा सा बढ़ जाता है, एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल वाला, एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल जमीन, एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल जमीन। एक पॉइंट और बताना चाहूंगा बहुत बेहतरीन कि डिवाइडेड हाईवे में, ठीक है, डिवाइडेड हाईवे में इफेक्ट ऑफ ग्रेड इग्नोर कर देते हैं, इफेक्ट ऑफ ग्रेड इज नॉट कंसिडर्ड, इफेक्ट ऑफ ग्रेड इज नॉट कंसिडर्ड ऑन डिवाइडेड हाईवे। यार ये डिवाइडेड हाईवे क्या होता है सर, इज नॉट कंसिडर्ड ऑन डिवाइडेड हाईवे, सर ये डिवाइडेड हाईवे क्या होता है? अरे मेरे लाल डिवाइडेड हाईवे कुछ नहीं होता है, डिवाइडेड हाईवे मतलब बीच में जहाँ डिवाइडर हो, बीच में जहाँ डिवाइडर हो, अगर डिवाइडर बीच में आ रहा है तो मुझे ये प्लस माइनस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस माइनस लगाने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं है, इसको जरा ध्यान सुनने रहना, समझते रहना, ठीक है। और हाँ एक बात और प्यारे दोस्तों, जब हम लोग एसएसडी की चर्चा करते हैं, जैसे कि शाहरुख यहाँ बता भी रहा था 0.15, तो वो 0.15 क्या था, जब देखो आपकी मान लो रोड है इस प्रकार से रोड है आपकी, ठीक है, आपकी जो आई है, आंखें, जो हमारी आंखें होती हैं उसकी हाइट हम लोग मानते हैं जमीन से कितना ऊपर, किसी को पता तो बता दो, हम लोग ये मानते हैं जो हमारी आंखें हैं वो जमीन से 1.2 मीटर ऊपर है, जैसे गाड़ी बैठे हैं या बाइक बैठे हैं, कहीं भी हम लोग बैठे हैं तो हमारी आंखें 1.2 मीटर जमीन से ऊपर है, और जो ऑब्जेक्ट हमने देखा, हम लोग कम से कम छोटा छोटा ऑब्जेक्ट कितना देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं छोटा छोटा ऑब्जेक्ट कितना 0.15 मीटर, ठीक है, और डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया है ऐसे एक्चुअली, एक सेकंड सुनना जरा, देखो होता क्या है ना, हमको जस्ट दिखाई देना होता है, जस्ट क्या मतलब हुआ देखना, ठीक है, ये तुम्हारी साइड डिस्ट है, तुम आंखों से यहाँ देखोगे, ठीक है। अच्छा कितना बड़ा ऑब्जेक्ट हमको दिखना चाहिए, जिस ऑब्जेक्ट को देख के तुम ब्रेक लगाने वाले हो, वेरी गुड, जिस ऑब्जेक्ट को देख के ब्रेक लगाने वाले हो कितना होना चाहिए 0.15 मीटर, कितना होना चाहिए 0.15 मीटर, आसान है, तो कुछ बड़ी बात नहीं है। अब तुम खुद सोचो अगर ये ऑब्जेक्ट छोटा होता तो तुम्हें दिखाई देता नहीं, लेकिन तुम जैसे से पास आते जाओगे ये वाली हाइट बढ़ती चली जाएगी और तुम्हें ज्यादा दिखाई देगा, और इतनी डिस्टेंस तुम गाड़ी को रोक दोगे और ये जो पूरी डिस्टेंस है यही तुम्हारी क्या है बेटा एसएसडी। ये सोच के सब कुछ डिजाइन किया गया है, ठीक है, अभी ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे, मोटा मोटा इतना याद रख लो, है ना। तो हाइट ऑफ ड्राइवर हमारा कितना हो गया बेटा 1.2 मीटर, और जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी हो गई प्यारे बच्चों 0.15 मीटर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो जब हमारा वर्टिकल कर्व आते हैं तो हाइट ऑफ ड्राइवर आई इज टेकन एज कितना, जो एक बच्चा पूछ रहा है हाइट ऑफ ड्राइवर आई लेते हैं 1.2 मीटर, ये हाइट ऑफ ड्राइवर आई लिखा है बस, और क्या लिखा है, लिख दो हाइट ऑफ ड्राइवर आई, आसान है, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट कितनी ली, ये हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, ये हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, आसान है कि नहीं बताओ, कोई बड़ी चीज हो गई, हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है,
चलो नो प्रॉब्लम सर। अब बात करते हैं हम लोग ओएसडी की, अब बात करते हैं ओएसडी की, ठीक है। एसएसडी हो गया, अब हम लोग चर्चा करते हैं सर ओएसडी की, चर्चा करेंगे ओएसडी की, चर्चा करते हैं सर हम लोग, अब ओएसडी की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। OSD की चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है सर OSD की चर्चा करते हैं सर। आई मिस्ड हाइड्रोलॉजी, अरे बेटा इतना परेशान मत हो यार, आप जो लेक्चर देख लीजिए वैसे पढ़े हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ एक ही वीडियो बनाऊं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा यार, एक ही वीडियो बनेगी तो ज्यादा मजा आएगा, है कि नहीं, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी, बच्चों को रिवीजन में ही प्रॉब्लम रहती है और बच्चे बार बार रिवीजन करने पड़ते हैं। सर हाईवे मेनली डिवाइडर होता ही है तो हमेशा निगेट करके देखेंगे, नहीं डिवाइडर है तो ग्रेड मत लगाओ, क्या बोला मैंने शाहरुख, डिवाइडर है तो ग्रेड मत लगाओ, ग्रेड ग्रेड का इफेक्ट मत लो, ये एन दिख रहा है, ये मत लगाओ फॉर्मूले, बस अगर डिवाइडर है तो, ठीक है। चलिए नो प्रॉब्लम सर, समझ के बात, और ये पता है कि नहीं तुमको, एक सेकंड रुकिए जरा, हाँ दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, पहला हो गया दूसरा आता है, दूसरा दूसरा हमारा सर है ओवर टेकिंग साइड डिस्टेंस, ओवर टेकिंग साइड डिस्टेंस, ओवर टेकिंग साइड डिस्टेंस क्या करना है सर इसमें, ओवर टेकिंग पता है क्या होता है, बहुत आसान है, बहुत इजी है भी। ओवरटेकिंग क्या है सर हमारा, सर गाड़ी जा रही है शानदार ढंग से एकदम, ये बीच में आप मान लो डिवाइडर है, डिवाइडर नहीं मतलब जगह है, ठीक है, इस तरह से अब पॉइंट समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। एक स्लो गाड़ी, एक ट्रक जा रहा था हाईवे पे, एक ट्रक जा रहा है हाईवे पे, एक ट्रक जा रहा है आराम से चल रहा है वो, ये हाईवे पे एक ट्रक जा रहा है, इसको तुमने बड़ा ट्रक है पी नाम दे दिया, इस गाड़ी का नाम रखा पी, ठीक है। पीछे से एक गाड़ी आई, बहुत तेजी से गाड़ी आ रही है, हाँ वेरी गुड, ठीक है, पीछे से सर गाड़ी आ रही है हमारी, बहुत स्पीड में आ रही है सर, इसको बहुत जल्दी है, पता नहीं कहाँ जाना है इसको, बहुत जल्दी कट मारना है इसको, ओवरटेक करना है ना, ये आ रही है, ठीक है। तो पहले क्या करेगा ना यार, ये पहले सोचेगा, पहले थोड़ा सोचेगा, ऐसे बगल में देखेगा, ऐसे देखता बगल में, हाँ भैया जगह दिख रही है कि नहीं, अब जगह दिख रही है, धूम मचा के निकल गया एकदम से, ऐसे होगा कि नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो पहले ये आ रहा है इस तरफ जा रहा है, तो पहले यहां से यहां पहुंचेगा, सोचता रहेगा, बगल में देखता रहेगा, अरे जगह मिल रही है कि नहीं मिल रही है ना, इस तरह से चलता रहेगा। अब इसने मन बना लिया है, तो देखो जब तक ये सोच सोच रहा है, ठीक है, तब तक ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, जब तक सोच सोच रहा है, ठीक है, जब तक ये सोच रहा है, देखो मैं इसमें बता दूंगा, चिंता ना करो, चिंता ना करो, पॉइंट सुनते चलो बस। जब तक ये सोच रहा है कि हाँ भाई कट मारना है, ओवरटेक करना है इस बी वाले ट्रक को, क्योंकि बी वाला ट्रक बड़ा स्लो स्लो जा रहा है सर, तो क्या करा इसने, अब इसने यहाँ पे एक्सेलेरेटर दबाया, इसने एक्सेलेरेटर दबाया और तुरंत इसने क्या करा, ये एकदम ऐसे तेजी से यहां से निकल के इधर आया और बहुत तेजी से कहां पहुंच गया, बहुत तेजी से यहां पे आ गया, इस तरह से यहां पे आ गया कट मार के एकदम से, ठीक है, इस तरह से यहां पे कट मार के आ गया, ठीक है, क्लियर। ये इसकी नई पोजीशन है, ये इसकी नई पोजीशन है कट मारने के बाद, कट मारने के बाद यहां पे चला आया ये, है ना। अब इसने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया प्यारे बच्चों सेकेंड पार्ट में, इसको बोलते हैं बहुत तेज एक्सेलेरेट किया इसने, बहुत तेज इसने एक्सेलेरेट किया, और इस डिस्टेंस को बोलते हैं बेटा डी टू, क्या बोलते हैं डी टू। अच्छा उतनी देर में अपोजिट से जो गाड़ी आ रही थी, अपोजिट से मान लो सी गाड़ी आ रही थी, वो यहां तक पहुंच जाएगी, वो भी यहां तक पहुंच जाएगी, है ना। तो देखो तीन चीजें वो गई भाई, मोटी मोटी तीन चीजें हो गई हैं, सी गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन उधर से इधर आ रही थी, अपोजिट उधर से इधर आ रही थी सी डिस्टेंस, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा डी थ्री, ये तुम्हारा हो जाएगा D3। तो जब भी तुम्हें एक अच्छे से यहाँ पे कट पड़वाना है और ओवरटेक करवाना है, तो समझते चलना यहाँ पे कि पहले तो ये डिस्टेंस होगा जिसमें अपनी जो पीछे वाली गाड़ी जिसकी वेलोसिटी A है वो अपनी कांस्टेंट डिस्टेंस चलेगा, फिर वो एक स्लो गाड़ी को देखेगा, मतलब पहले देखता है, तो देखते देखते डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं कांस्टेंट स्पीड से, फिर उसने एक्सेलेरेट किया और एक्सेलेरेट करके वो आ गया यहाँ पे, एक्सेलेरेट करके वहां पे आ गया, और जब तक एक्सेलेरेट कर रहा है प्यारे बच्चों, जब तक एक्सेलेरेट कर रहा है, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, जब तक ये ओवरटेक कर रहा है, इसको बोलते हैं ओवरटेकिंग टाइम D2।
D2 ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं कैपिटल टी ओवरटेकिंग टाइम, ठीक है। मैं लिखता हूँ D2 जो हमारा होता है वो होता है इन इन कैपिटल टी ओवरटेकिंग टाइम, ओवरटेकिंग टाइम, ये हमारा ओवरटेकिंग टाइम यहाँ से आता है। तो जब तक ये ओवरटेक करता है तब तक ये सी गाड़ी यहाँ से यहाँ आ जाती है, ये यहाँ से यहाँ आ जाता है, ये यहाँ से आ जाती है और हमारा ओवरटेकिंग अच्छे से हो जाती है, ओवरटेकिंग अच्छे से हो जाती है। अच्छा, उसी समय जब ये स्पीड में आगे बढ़ रहा है तो हमारा जो ट्रक है ये ट्रक भी हमारा आगे बढ़ के आ जाएगा थोड़ा सा। सर ये ट्रक भी तो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा? हाँ, ये ट्रक भी हमारा आगे बढ़ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ट्रक भी यहाँ पे नई पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन ट्रक अपनी स्पीड चेंज नहीं करता है। ट्रक की स्पीड पहले बीबी थी, अभी बीबी रही। ट्रक की जो स्पीड थी वो तो बीबी थी, अभी बीबी रही, ठीक है। अच्छा, ट्रक कितने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ट्रक ने प्यारे बच्चों कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? सर ट्रक ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो था बी बी, और उसकी स्पीड चेंज नहीं हुई। अच्छा, ये जो बी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये उसने टी डिस्टेंस में ट्रेवल किया है, टी टाइम में। अच्छा, इसका मतलब जब तक हमारा ये गाड़ी जो बहुत तेज चल रही है, जो एक्सेलरेट कर रही है, एकदम धूम मचा के चली गई आगे, उसने D2 डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया ओवरटेकिंग टाइम में, उसने D2 डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, और यहाँ पे जो B वाली गाड़ी है उसने सिर्फ और सिर्फ B डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो भाई साहब यहाँ से यहाँ ही पहुंच पाए, वो भाई साहब कट मार के आगे चले गए। किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया? A ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, B ने डिस्टेंस कम ट्रेवल किया, ठीक है। इधर एक्स्ट्रा जगह ली, इधर एक्स्ट्रा जगह ली। ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जगह, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, S1 S2, या दोनों तरफ स्पेसिंग बोलते, बस स्पेसिंग होती है दोनों तरफ S, दोनों तरफ इधर भी स्पेसिंग छूट गई, इधर भी स्पेसिंग छूट गई, ठीक है। क्योंकि जगह लेके तो आगे जाएगा यार, भिड़ा थोड़ी देगा, लड़ा थोड़ी देगा, ठीक है। तो D2 हमारा क्या हो जाता है बेटा, B+2S। D2 हमारा क्या हो जाता है, B+2S। तो तुमसे अगर पूछे OSD क्या है, तो कुल मिला के OSD हमारा है तीन चीजों से जोड़ के बना है, तीन चीजों से जोड़ के बना है। क्या है? D1, जब तक वो चीजों को समझ रहा है, D2 जब उसने एक्चुअल में ओवरटेक किया, और D3 जब तक हमारी सी वाली गाड़ी यहां तक पहुंच गई। इतना जगह होनी चाहिए टोटल हाईवे पे कि तुम्हारा ओवरटेकिंग अच्छे से हो पाए। अब बताओ D1 का फॉर्मूला क्या है, D1 का फॉर्मूला प्यारे बच्चों क्या है बताओ, जरा कमेंट करो। D1 का फॉर्मूला क्या लेते हैं? देखो, पहले जब गाड़ी पीछे से आती है तो अपनी गाड़ी को थोड़ा स्पीड कम करती है, अपनी गाड़ी की स्पीड को बी के बराबर करती है, और एकदम उसके पीछे पीछे चलती है। जैसे आगे बी जा रही थी, पीछे ए आ रहा था, तो पहले आके स्लो करेगा, फिर उसके साथ साथ चलेगा, और फिर ऐसे झांकता रहेगा, कट मारू कि ना मारू, कट मारू कि ना मारू, साथ साथ चलेगा उसके। तो ये बताओ, जब तक ये सोच रहा है, जब तक ये सोच रहा है तब इसकी स्पीड कितनी है, कमेंट करो। जब तक ये सोच रहा है इसकी स्पीड कितनी है, बीबी, कितनी बीबी, तो इसकी बीबी स्पीड है, इसकी कितनी स्पीड है बच्चों, बी है, ठीक है। इसकी कितनी स्पीड है, बी है, और ये जो बीसी है इसकी स्पीड भी बी है मान लो, क्योंकि जनरली जो गाड़ी चले छोटे वाले उनकी स्पीड बी है। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो D1 हमारा कितना हो जाएगा, सब सही बता रहे हो, D1 कितना हो जाएगा, बीबी इंटू टी, क्योंकि ये जो हमारी स्पीड है, अरे सॉरी एक चीज गड़बड़ हो गई, एक चीज जरा माफ करिए, पहले इसकी स्पीड कितनी थी, वीवी, पहले इसकी स्पीड कितनी थी, वीवी, क्योंकि आके ये उस गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा है, उस गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा है, ठीक है। तो वीवी इंटू टी हो जाएगा, हाँ, बी इंटू टी या वीवी इंटू टी, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हमारा क्या आएगा सर, उसके बाद क्या आएगा हमारा, D2, D2 क्या है, B+2S, और B कितना हो जाएगा यार, B कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ बताओ इसकी स्पीड कितनी है, यहाँ इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड इसकी वीवी है, और कितना टाइम लगा, कैपिटल टी। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, एक सेकंड रुक जाओ, ये हमारा सर D1 हो गया, ये D1 हो गया। अब D2 बताइए क्या होगा सर, D2 बेटा क्या होगा तुम्हारा, बीबी इंटू कैपिटल टी, ट्रक कितना बढ़ा, ये बी कितना हो गया, बीबी इंटू कैपिटल टी प्लस टू एस, यही तो है तुम्हारा D2, यही तो है तुम्हारा D2, है ना। और लास्ट में D3 हमारा कितना हो जाएगा सर, D3 हो जाएगा सिंपल वही, D3 कितना हो जाएगा बेटा, कमेंट कर दो, जो तुम्हारी एक्चुअल में BA था, BA, जो रोड की स्पीड थी तेज वाली गाड़ियों की, जो रोड की स्पीड थी तेज वाली गाड़ियों की, जो पहले जिस गाड़ी से पहले चल रहा था, जिस गाड़ी से पहले ये चल रहा था, और जिस गाड़ी से पहले ये चल रहा था, जिस स्पीड से पहले ये लोग चल रहे थे, ठीक है, वो कितना हो जाएगा सर, उसको हम लोग लिखेंगे BA या BC, जो भी लिख लो, या B लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जो नॉर्मल स्पीड थी रोड की डिजाइन स्पीड थी, ओवरटेकिंग टाइम, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, हाँ बीबी नहीं होगा, वो बी होगा, बी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजाइन स्पीड बोलते हैं। अब सबका मतलब लिखते हैं यहाँ पे, देखो बी हमारा क्या है सर, डिजाइन स्पीड, रोड की डिजाइन स्पीड ज्यादा होती है, ट्रक लेकिन धीमे धीमे जा रहा था, रोड की डिजाइन स्पीड बेटा ज्यादा होगी, ट्रक जा रहा था धीमे धीमे, तभी तो उसको ओवरटेक करना पड़ गया। फिर हमारा टी का क्या होता है, टी होता है सर हमारा ओवरटेकिंग टाइम, क्या फॉर्मूला होता है सर ओवरटेकिंग टाइम का, क्या फॉर्मूला होता है बेटा ओवरटेकिंग टाइम का, 4S अपॉन अंडर रूट A, 4 नहीं
अंडर रूट पूरे समोन ए, अंडर रूट पूरे समोन ए। एस क्या है, एस क्या है पहले देख सकते हो यहाँ पे, एस क्या है, ये डिस्टेंस है ना एस, स्पेसिंग दो गाड़ियों से कम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, बीसी इंटू टी। सुनो एक बात सुनो, अब मैं फाइनल बोलने जा रहा हूँ कौन किस स्पीड से चलेगा। सुनो देखो, ए और सी ये सब एक स्पीड चल रहे हैं, ये तेज चल रहे हैं, सुनना बहुत है, ये सब तेज चल रहे हैं। इनकी जो स्पीड रोड की स्पीड होती है वो हमने कैपिटल वी मान ली है, कैपिटल वी, चाहे ए बोलो चाहे सी बोलो, क्लियर। लेकिन ये जो गाड़ी रेंग रही थी, ये जो गाड़ी रेंग रेंग के चल रही है आराम आराम चल रही ट्रक, इसकी स्पीड कितनी थी, वीवी, ठीक है, समझ गए। तो बी जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो वीवी इंटू कैपिटल टी होगा, क्लियर है, अब क्लियर है। जब ए आएगा पीछे से, जब पीछे से ए आएगा तो ए क्या करेगा, पहले अपनी स्पीड को कम करेगा, पहले अपनी स्पीड को कम करेगा, पहले तो वो डिजाइन स्पीड चल रहा था, पहले तो वो वी ए वी सी सब वही चल रहा था, कैपिटल वी चल रहा था, लेकिन उसने शुरू में, ठीक है, उसने शुरू में क्या किया बेटा, उसने शुरू में क्या किया, उसने शुरू में अपनी स्पीड को कम करके जिस स्पीड से ट्रक चल रहा था या गाड़ी चलेगी उसी स्पीड से चला, वो उसी स्पीड से चला, ठीक है, काम खत्म। और फिर उसने मारा ओवरटेकिंग, फिर उसने ओवरटेकिंग कर दी, और ओवरटेकिंग उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, ठीक है, यहाँ पे वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक। और ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल वी इनटू टी, ये भी हमारा क्या है, ये स्मॉल वी, स्मॉल वी टी हम निकल गया। अच्छा स्पेसिंग बताओ कैसे निकलेगी, स्पेसिंग का भी फॉर्मूला बताओ फटाफट यार जल्दी जल्दी। सर स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वेरी गुड, 0.2 वीवी प्लस 6, 0.2 कैपिटल वीवी प्लस 6, 0.2 कैपिटल वीवी प्लस 6, यस और नो, यस और नो, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे केएमपीएच में है, केएमपीएच की बता रहा हूँ, केएमपीएच 1.7 वीवी प्लस 6, ठीक है। सर आपके जो प्री स्ट्रेस के लेक्चर हैं वो गेट लिस्ट, अरे बहुत सफिशिएंट बेटा, बहुत सफिशिएंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक मिनिमाइज डी टू सिटी, सही बात, वेरी गुड, ये पॉइंट शाहरुख तुम सही बता रहे हो, इसको जोड़ देते हैं आप, सही कह रहे हो, देखो बिल्कुल सही। फॉर, ठीक है, फॉर टू वे ट्रैफिक, फॉर टू वे ट्रैफिक, फॉर टू वे ट्रैफिक, लेकिन बीच में कोई डिवाइडर नहीं है, फॉर टू वे ट्रैफिक बीच में नो डिवाइडर, अनडिवाइडेड, बीच में कोई डिवाइडर नहीं है, अनडिवाइडेड है, तो सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या होगा सर, एक गाड़ी इधर से जा रही है, एक गाड़ी इधर जा रही है, इसको रोकने में कोई डिस्टेंस लगेगा, इसको रोकने में डिस्टेंस लगेगा, इसको मान लो लगा SSD 1, इसको लगा SSD 2, तो मैं दोनों को क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, दोनों को क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, बिल्कुल सही शाहरुख, वेरी गुड, ठीक है, दोनों को जोड़ दूंगा, तो मैं लिखूंगा अनडिवाइडेड है अगर, तो हमारा जो SSD हो जाएगा, तो जो हमारा टोटल SSD होगा बेटा, वेरी गुड, तो जो हमारा टोटल SSD होगा प्यारे बच्चों, वो कितना हो जाएगा, तो जो हमारा टोटल SSD हो जाएगा सर, वो कितना हो जाएगा, SSD 1 पहली गाड़ी का SSD और दूसरी गाड़ी का SSD, ठीक है। अच्छा जब सेम होता है, जब दोनों गाड़ियों का SSD सेम होगा, तो हम लोग उसको ट्वाइस SSD भी लिख देंगे। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इधर वाली गाड़ी क्या पता 60 की स्पीड चल रही हो और इधर वाली गाड़ी हमारी 50 की स्पीड चल रही हो, तो इसका SSD अलग आएगा, इसका SSD अलग आएगा, मेरी बात समझ रहे हो, तो कभी कभी SSD 1 SSD 2 भी प्लस करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हाँ भाई, लेकिन हाँ, अगर डिवाइडर बीच में है तब तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, टू वे ट्रैफिक है लेकिन डिवाइडर है, बीच में डिवाइडर है, तो डिवाइडर दोनों अपने अपने लेने चलेंगे, फिर क्या ऐड करना, फिर तो जो हमारा टोटल SSD है वो सीधे सीधे SSD के बराबर होगा, है ना, बिल्कुल सही, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो टोटल SSD एक ही तरफ, क्योंकि सर बीच में डिवाइडर आ गया, बीच में डिवाइडर आ गया, तो ये गाड़ी अपना अपना रुक जाएगी और ये गाड़ी अपना रुक जाएगी, दोनों आपस से लड़नी तो है नहीं, दोनों आपस से लड़ेंगी तो है नहीं, है ना, ठीक है, टू वे ट्रैफिक, चलो ठीक, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, और ISD क्या होता है ये मैं बताता हूँ अभी, ISD क्या है बताते हैं आगे, OSD समझ गए, OSD समझ गए सर, OSD समझ गए, नो प्रॉब्लम, OSD क्लियर हो गया, डिस्टेंस समझ गए, S आ गया, T आ गया, और क्या बचा, अच्छा एक और पॉइंट सुन लो, अगर हमको मान लो बेटा, सुन लो बहुत ध्यान से, अगर हमको देखो डिजाइन स्पीड तो दी होती है, ट्रक की स्पीड नहीं दी होती, कभी कभी ट्रक की स्पीड नहीं दी होती, अगर नहीं दी तो क्या करोगे, इफ वीवी इज नॉट गिवन, यार डिजाइन स्पीड तो दी होगी ना, इफ वीवी इज नॉट गिवन तो क्या मान लोगे, इफ वीवी इज नॉट गिवन 16 माइनस कर दो बस, if VV is not given then VV is taken as capital V minus 16, यहाँ सब KMPH चल रहा है, ये सब KMPH बता रहा हूँ, KMPH की बात हो रही है, ठीक है, और ये जो मैंने रखा है ये भी KMPH में रखा है, बस समझ लेना, भूल मत जाना,
और हाँ अगर तुम्हें मीटर पर सेकंड चाहिए तो 0.7 V, 0.7 V प्लस हो जाएगा, ठीक है क्लियर। सूरज कह रहे हैं ओएसडी पर लेंथ ऑफ व्हीकल्स का इफेक्ट होगा बफर जोन। सुनो भाई एक पॉइंट सुनो पहले यार, क्यों नहीं होगा ये बताओ। लेंथ ऑफ व्हीकल भी, व्हीकल की लेंथ ही तो है ये 6 मीटर, ये 6 मीटर क्या जोड़ा है तुमने व्हीकल की लेंथ। स्पेसिंग क्या होती है, स्पेसिंग का मतलब होता है कि बम्पर टू बम्पर डिस्टेंस, बीच में स्पेसिंग आ रही है कि नहीं बताओ, बीच में तुम्हारा क्या नाम है इसमें व्हीकल की लेंथ जुड़ेगी नहीं। यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस देखोगे तो लेंथ ऑफ व्हीकल भी आती है, लेंथ ऑफ व्हीकल भी आती है ठीक है। बफर जोन थोड़ा जगह ज्यादा छोड़ दो, सिंपल सी बात है, इसमें क्या बड़ी चीज हो गई ठीक है। और अगर स्मॉल क्या नाम है बीबी अगर तुम्हें नहीं दिया है तो स्मॉल वेलोसिटी मतलब तुम्हारी क्या नाम है मीटर पर सेकंड वाली है तो तुम यहाँ पे बी माइनस 4.5 कर दोगे, बी माइनस 4.5 कर दोगे, ये सारे फॉर्म लगा के आंसर निकाल दोगे ठीक है। D1, D2, D3। अच्छा यहाँ पे भी नोट डाल के लिख देते हैं, यहाँ पे नोट डाल के लिख देते हैं, अगर हमारा अगर मान लो अनडिवाइडेड है, टू वे ट्रैफिक है और डिवाइडेड है, देखो फॉर टू वे ट्रैफिक अनडिवाइडेड तब तो हमारा ये फॉर्म लगेगा, फॉर टू वे ट्रैफिक अनडिवाइडेड, फॉर टू वे ट्रैफिक अनडिवाइडेड अगर है बेटा, फॉर टू वे ट्रैफिक अनडिवाइडेड अगर है तो हमारा ओएसडी जो होगा सर, तो हमारा जो ओएसडी है वो D1, D2, D3 होगा, तीनों जोड़ के होगा तब वो D1, D2, D3 होगा। लेकिन लेकिन अगर टू वे ट्रैफिक है लेकिन डिवाइडेड है, वो गाड़ी अलग चल रही है, इधर वाली गाड़ी अलग चल रही है, तब तुम्हें D3 जोड़ने की क्या जरूरत है यार, D3 का तो लेन अलग ही है ना, तब D3 थोड़ी जुड़ेंगे। खुद सोचो यहाँ बीच में डिवाइडर है, यहाँ डिवाइडर है बीच में, तो ये एक गाड़ी उधर थोड़ी चली जाएगी, तब इससे क्या मतलब, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं फिर ठीक है। हाँ एक्सेलेरेशन भी तुम याद कर सकते हो, शाहरुख सही पॉइंट बता रहा है ठीक है, एक्सेलेरेशन याद मत करो मेरे हिसाब से ठीक है, एक्सेलेरेशन तुम क्वेश्चन में जो भी दिया हो वो ले लेना ठीक है, एक्सेलेरेशन तुम याद रखना करो। तो याद रखना कि जब नो व्हीकल एक्सपेक्टेड या तो अपोजिट डायरेक्शन से कोई गाड़ी ना आ रही हो, अपोजिट डायरेक्शन से कोई गाड़ी एक्सपेक्ट ना हो, या तुम्हारा डिवाइडेड हाईवे हो, जब तुम्हें अपोजिट से कोई गाड़ी आती हुई ना दिखाई दे और डिवाइडेड अगर हाईवे हो तो क्या करोगे बेटा, तुम ले लोगे D1 प्लस D2, क्या ले लोगे D1 प्लस D2, ब्रैकेट लिख देते नो व्हीकल एक्सपेक्टेड फ्रॉम अपोजिट, नो व्हीकल एक्सपेक्टेड फ्रॉम अपोजिट साइड ठीक है, नो व्हीकल एक्सपेक्टेड फ्रॉम अपोजिट साइड, एक्सपेक्टेड फ्रॉम अपोजिट साइड, फ्रॉम अपोजिट साइड क्लियर है, फ्रॉम अपोजिट साइड। ओएसडी में जरा एक पॉइंट और सुन लेते हैं फिर हम लोग छुट्टी करते हैं। ओएसडी में हम लोग देते हैं ओवरटेकिंग साइड, ओवरटेकिंग जोन देते हैं, ओवरटेकिंग जोन कितना देते हैं बेटा, ओवरटेकिंग जोन पढ़ा है कि नहीं तुम लोग बताओ, कमेंट करो ओवरटेकिंग जोन पढ़ रखा है कि नहीं, क्यों भाई पढ़ा है, पढ़ा पढ़ा बताइए कमेंट करिए। हाँ बिल्कुल सही, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू तुम बता रहे हो ये 80 पे तुम सही बता रहे हो, 0.72 होती है हर, कहो तो लिख दूं टेबल, पूरी टेबल है मेरे सामने अभी, कहो तो लिख दूं, लेकिन जरूरत नहीं है यार, एक्सेलरेशन याद मत करो, एक क्वेश्चन में दिया रहेगा, ना दे तो 1 के आसपास मान लिया करो, ना दे तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड के आसपास मान लिया करो ठीक है, 1 के आसपास मान लिया करो। वैसे 80 का 0.72 होता है, ऐसे तुम्हारा जो है 100 के लिए कितना 0.53 होता है ठीक है, और इसके 65 के लिए तुम्हारा 0.92 होता है, जितनी भी तुम्हारी डिजाइन स्पीड थी ना 25, 30, 40, 50, 65, 100, 80 और 100, इन सब के लिए तुम्हारा एक्सेलेरेशन दिया होता है, इन सब के लिए एक्सेलेरेशन दिया होता है, शाहरुख सही बता रहे हो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से याद करने की इतनी जरूरत नहीं है ठीक है, इतनी जरूरत नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ ओवरटेकिंग जोन की, जो हमारा आज का आखिरी पॉइंट होगा ओवरटेकिंग जोन। ओवरटेकिंग जोन क्या होता है बेटा, ऐसी जगह दी जाती है हाईवेज में कहीं कहीं जहाँ पे आप ओवरटेक कर सको, जहाँ पे आप ओवरटेकिंग कर सकें, जहाँ पे आप ओवरटेकिंग कर सकें। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा हाईवे बनता है तो कम से कम ये हमारी ओवरटेकिंग जोन, जगह चौड़ी कर दो, जगह चौड़ी कर दो, क्यों चौड़ी कर दी जगह बेटा, जगह बढ़ा के क्यों दी, क्योंकि यहाँ पे आप ओवरटेकिंग आराम से कर सकें। तो ये जो बीच वाली जगह देख रहे हो बेटा, ये जो बीच वाली जगह देख रहे हो उसको बोलते हैं ओवरटेकिंग जोन, बीच वाली जगह जो चौड़ी जगह उसको बोलते हैं ओवरटेकिंग जोन। यहाँ लिखा होता है बेटा, यहाँ लिखा होता है ये डिस्टेंस कितना, एक झंडा लगा होता है पीछे यहाँ पे मेन हाईवे पे कि भाई आगे ओवरटेकिंग जोन है ठीक है, यहाँ एक झंडा लगा, बोला है कि भाई आगे जाके रोड चौड़ी हो जाएगी और वहां पे तो ओवरटेकिंग कर लेना, कोई दिक्कत बात नहीं है। वो झंडा लगा होगा कि ऐसे इधर से जो गाड़ी आ रही होगी इसके लिए यहाँ झंडा लगा होगा, इसके लिए झंडा लगा होगा, कितना ओएसडी डिस्टेंस पहले, ओएसडी डिस्टेंस पहले ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। और यहाँ पे एक झंडा लगा होगा भैया ओवरटेकिंग डिस्टेंस खत्म हो गई, अब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस खत्म होने वाला, जल्दी से कट कर लो, गाड़ी लेके आए हो तुम यार, गाड़ी लेके आए हो यहाँ पे, जब तक कट लगाना का, ऐसे इधर भी होगा यहाँ झंडा लगाओगे भैया खत्म, भैया खत्म होने वाला है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, खत्म कर दो, जल्दी से बढ़ो आगे, जल्दी से आगे बढ़ जाओ ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, इधर से गाड़ी गई, इसने कट मारा, ये क्यों झंडा लगाया, ताकि देख सके जल्दी भैया कट खत्म कर दो, ऐसा ना हो कि भैया वो कट मार रहा था यहाँ पे कट आके मारा, ऐसे निकलने लड़ गया है आगे, लड़ गया, समझ रहे हो बात, जिसने यहाँ पे ये लगा दिया था
अच्छा ओवरटेकिंग की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए भाई, है ना, डिजायरेबल विड्थ लेंथ कितनी है इसकी? वेरी गुड वेरी गुड, सही बता रहे हो, वेरी गुड। डिजायरेबल लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों? डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस कितनी है? डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग, डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग जोन कितना है? 5 टाइम OSD, 5 टाइम OSD, और कम से कम कितना देंगे? 3 टाइम OSD, मजबूरी है। तीन तो दोगे यार, एक देखने के लिए, एक उधर देखने के लिए, और बीच में एक्चुअल में एक देना है कट करने के लिए। तीन तो दो गई ना कम से कम, वरना 5 दो, अच्छे से जगह अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बताता है स्टार्ट ऑफ ओवरटेकिंग जोन, ये बताता है एंड ऑफ ओवरटेकिंग जोन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे झंडे लगे रहते हैं, भैया खत्म होने वाला, जल्दी से कर लो। अब तुमसे वो पूछे कि सर ये वाली डिस्टेंस कितनी दी गई यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बोल देना कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 5, 3 से 5, 3 से 5 टाइम्स OSD दी जाती है डिस्टेंस, ठीक है, ताकि अच्छे से ओवरटेकिंग हो जाए। इसको लिख देते हैं यहाँ पे मिनिमम, मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन हमारा कितना होता है? मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन कितना होता है? 3, ठीक है, क्लियर है, बताओ क्लियर। चलो भाई अब यार, हाँ बिल्कुल सही। और ड्राइवर हाइट, और देखो सीधी सी बात है यार, तुम जब ओवरटेकिंग कर रहे हो तो ओवरटेकिंग दोनों तरफ ड्राइवर ही तो होंगे, पत्थर तो चल के आएगा नहीं, पत्थर चल के आएगा नहीं कि क्यों, तो तुमको क्या करना है, दोनों की हाइट, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे दोनों की हाइट 1.2 ली जाती है, ठीक है, क्योंकि इधर भी ड्राइवर है उधर भी ड्राइवर है, तो 1.2 मीटर इधर 1.2 मीटर उधर, बिल्कुल सही शाहरुख बता रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सही, वो लिख भी देते हैं, चलो ठीक है, यहाँ क्लास एंड करते हैं। हाइट ऑफ ड्राइवर, अरे ऑब्स्टिकल नहीं आता शाहरुख यहाँ पे, हाइट ऑफ ड्राइवर ऑन बोथ साइड, हाइट ऑफ ड्राइवर ऑन बोथ साइड इज 1.2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ मान लो मेरी ये रोड जा रही है, ये रोड जा रही है, इधर भी इधर एक आंख है, उधर दो आंख है, दूसरी आंख है, उधर से वो देख रहा है, इधर से ये देख रहा है, ठीक है, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, ठीक है। चलो क्लास में एंड करते हैं, कल हम लोग मिलेंगे, कल हम लोग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ट्रांजिशन कर्व, सुपर लिंक्शन, ये सब शुरू करेंगे। कल हमारा जो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होगा, और उसके बाद हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट होगा, ठीक है। चलो टेक केयर बच्चों, मिलते हैं हम लोग कल, और ऐसे ही बढ़िया मलाया पढ़ाई करते रहो, दिस इज इट, थैंक यू। और आप लोग को अगर जुड़ना हो जुड़ सकते हैं हम लोग साथ, और नोट्स और सही है जो ये वाली PDF वगैरह, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, सर्च कर लेना चेतन सर, ठीक है, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, अच्छे से कोई प्रॉब्लम बताना, वहाँ पे सब कुछ शेयर हो जाएगा, ठीक है।